अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हम बात कर रहे थे अपने 47th टॉपिक के ऊपर, मैं बात कर रहा था, मैं यहाँ तक चला गया था जहाँ मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ लिंक कर रहा था। यहाँ तक बात हमने कर ली थी कल, आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रहा हूँ अपनी चीज़ों का, बस मैं स्लाइड्स को अरेंज कर लूँ। लेट मी सी, बस मैं स्टार्ट करता हूँ जी। कल ये तमाम टॉपिक जो है मैंने आपके अपलोड कर दिए थे आपके गूगल क्लासरूम में, आई होप के वहां से आपने देख लिए होंगे। तो देखिए, हम यहाँ से बात को शुरू करते हैं। हमने कल जो है लिंक किया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, यहाँ तक हमारी बात हो गई थी कल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। देखिए, कल हम जब बात कर रहे थे यहाँ पे, तो मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए हम कहते हैं कि देखिए, बात ये है कि स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं। तो मैंने कहा था शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि जनाब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको वायलेट ना करें। दूसरी तरफ मुआशरा है, सोसाइटी है, सोसाइटी क्या चाहती है? सोसाइटी चाहती है कि आप जो है अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करें। लिहाजा दोनों तरफ से एक प्रेशर है और दोनों तरफ से एक कंजेकेटिव प्रेशर है कि जी शेयर होल्डर चाहते हैं आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करें, जबकि स्टेक होल्डर्स ओवरऑल अगर दोनों को इकट्ठा कर लें तो स्टेक होल्डर बन जाते हैं। वो हमें ये कहते हैं कि जनाब एक तो सबसे पहली बात ये है कि आप जो है वो अखलाकियात के दायरे में काम करें, एथिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर काम करें। दूसरा वो ये कहते हैं कि जनाब आप मोरल वैल्यूज़ को वायलेट ना करें। तीसरा वो ये कहते हैं जनाब कि आप जो है वो सेटिस्फाई करें मोरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक ऑर्गेनाइजेशन की, और उसके साथ साथ ये है कि आप इकोनॉमिकली बेनिफिशियल रहें मुआशरे के लिए, और जो है वक्त पे अपनी पेमेंट्स करें ताकि ये जो लायबिलिटी है आपकी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप उसको आसानी के साथ फुलफिल कर सकें।
ये वो चीजें जिसके ऊपर हम लास्ट डे बात कर रहे थे। उसके बाद हमने ये सवालात हैं, इनको मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि कल हमने बात कर ली थी, सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दोबारा आया था। आगे हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हवाले से अकोमोडेशन स्ट्रेटजी। देखिए, अकोमोडेशन स्ट्रेटजी एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर कभी कभी ऐसी सूरत हाल होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कुछ नेगेटिविटी सामने आना शुरू हो जाती है। आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जिसके अंदर या आप कोई मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ऐसी सूरत हाल में आपके ऊपर नजर पड़ जाती है या तो गवर्नमेंट की, या नजर पड़ जाती है किसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी की, रेगुलेटरी अथॉरिटी की, और आपको समझ आ जाता है कि सिचुएशन आपके बस से बाहर हो सकती है। आप फौरी तौर पे क्या करते हैं, प्राइसेस को डिक्रीज करते हैं और कोशिश करते हैं कि जिस प्रॉब्लम में आप फंसने वाले हैं, ये जो भी जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बॉडी है, उसकी नजर किसी तरह आपसे हट जाए। तो हम कहते हैं कि इन केस ऑफ सीरियस वायलेशन ऑफ एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समटाइम ऐसा होता है कि आपके ऊपर नजर पड़ जाती है गवर्नमेंट की या किसी प्रेशर ग्रुप की, तो प्रेशर ग्रुप और गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन, आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, आइदर लॉकआउट योर बिजनेस, आपके बिजनेस को बंद कर सकते हैं, लॉकआउट कर सकते हैं। तो आप कहते हैं कि यार इस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन से डील किया जाए या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी ली जाए कि किसी तरह इस जो मुमकिन सूरत हाल है इससे हम बच सकें। आप इस मुमकिन सूरत हाल से बचने के लिए क्या करते हैं कि आप कोई ऐसी स्ट्रेटेजी फौरी तौर पे आप एक एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी ले लेते हैं एक्शन को अवॉइड करने के लिए, सिचुएशन से बचने के लिए। हम इसे कहते हैं ये अकोमोडेशन स्ट्रेटेजी है। अच्छा, और क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि आप शायद प्राइसेस को इंक्रीज कर रहे हो, को मोनोपोलाइज कर रहे हो किसी तरह से, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की नजर पड़ जाए, या आपको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन था आपकी नजर नहीं पड़ी और दूसरी तरफ ग्रीन पीस या किसी एनजीओ की नजर पड़ गई है जिसके ऊपर बड़ा काम कर रही है और वो जो है गवर्नमेंट को एक्टिवेट करती है या आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन कर जाते हैं। तो आप कहते हैं इससे बचने के लिए फौरी तौर पे तमाम चीजों को इस पर रोक दो और पहला काम ये करो कि किसी तरह कोई एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी लो, प्राइस डिक्रीज कर दो, इसी तरह इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो प्लांट हमारे फैला रहे हैं उनको बंद कर दो वक्ती तौर पे ताकि इस सिचुएशन से बचा जा सके। और ऐसी तमाम रीट्रीट करने की स्ट्रेटजीज, ऐसी तमाम जो है वो दोबारा से अपनी आपको हदूद के अंदर लाने की जो पॉलिसीज हैं, इनको हम कहते हैं ये हमारी अकोमोडेशन स्ट्रेटजीज है। तो ये होगी आपकी अकोमोडेशन स्ट्रेटजीज। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आई है। उसके बाद बात आ जाती है, ये तो होगी सारी की सारी अकोमोडेशन स्ट्रेटजी पे बात, इसके बाद बात आ जाती है कि पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है। देखिए, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के असूल हैं उनसे इनहराफ होना शुरू हो जाए तो हम इसे पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। लेकिन आम तौर पे इसके ऊपर जो एतराजात या जो आम तौर पे हम अखबारात से रीडिंग करते हैं, उस रीडिंग में आमतौर पे जो बातें सुनने में आती हैं वो ऐसी बातें सुनने में आती हैं जैसे कि जो मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसमें कोई एक बंदा डोमिनेट करना शुरू कर देता है, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो आपके टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उस पर किसी एक बंदे का दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है और वो अपनी मन मर्जी के फैसले करवाने शुरू कर देता है। तो डोमिनेशन बाय सिंगल पर्सन। दूसरी चीज है लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोर्ड। बोर्ड के जो है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ना हो, यानी इन्वॉल्व ना करे, फैसले जो है वो होने खत्म हो जाए, तो बोर्ड जो है लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ना करे बोर्ड में, और उसके बाद ये है कि सीईओ अपनी मर्जी से फैसला करते जाए, और लैक ऑफ एडिक्वेट कंट्रोल फंक्शन, आपके जो कंट्रोल फंक्शन है वो सही काम ना कर रहे हो, और बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जब कंट्रोल सही काम नहीं कर रहे तो नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि आपकी जो है वो प्रॉब्लम पैदा होगी इस कंसर्न में कि जी इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व नहीं होंगे और कंट्रोल वीक होंगे तो फ्रॉड का चांस भी है और रिस्क फैक्टर भी जो है ऑब्वियसली हो जाएंगे। तो कोई सिंगल आदमी जो है वो डोमिनेट कर रहा है बोर्ड पे, बोर्ड की राय जो है तस्लीम नहीं की जा रही, इसके बाद ये कि एडिक्वेट जो है वो कंट्रोल्स नहीं है, वीक कंट्रोल है आपके, और फिर उसके बाद है लैक ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन कोई नहीं हो रही, मैनेजमेंट में है आप लोग लेकिन केयर नहीं कर रहे, मामलात को सही तरह सुपरवाइज नहीं कर रहे, और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है और जो लोअर लेवल स्टाफ है
वो बेचारा बिल्कुल ही जो है इस वक्त मिसडायरेक्ट हुआ हुआ है, और उसको कोई गाइड नहीं कर रहा। उसके बाद ये है कि जो लैक ऑफ कॉन्टेक्ट विद शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स को एक खास वक्त के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती है, कम से कम साल में एक दफ़ा तो लाजमी चाहिए कि पता चले उसने जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं ये कंपनी के हालात कैसे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशन ये है कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं की जा रही, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टेटस ही नहीं है, और कोई रابطہ भी नहीं है शेयर होल्डर्स के साथ एक लंबे अरसे से। तो इस पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप उसको कहेंगे। फिर उसके बाद ये है कि अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस आप करना शुरू कर दें, शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करने का मतलब ये होता है कि आपके पास इस वक्त तो प्रोजेक्ट हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए आपने कोई प्रोजेक्ट सोचे ही नहीं कि कौन से प्रोजेक्ट हो सकते हैं जहाँ से आप मजीद प्रॉफिट अर्न करके मुस्तकबिल में सक्सेस हासिल करेंगे। और इसके बाद ये है कि मिसलीडिंग अकाउंट्स एंड इंफॉर्मेशन, आपकी अकाउंट्स और इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छी गाइडिंग पे नहीं बल्कि वो मिसलीडिंग है, मिसलीड कर रही है, यानी आप गलत फिगर टेम्परिंग कर रहे हैं, और आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो गलत है और उसके अंदर एरर्स हैं। तो ये भी बहुत पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। इससे ना सिर्फ ये कि इमेज हर्ट होगा, क्रेडिबिलिटी भी जाती रहेगी, और आपकी बात पे फिर कोई एतबार भी नहीं करेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम अराइज कर जाएंगे, क्रेडिबिलिटी लूज हो जाएगी, सारे मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम एक दो सवाल आपसे कर लेते हैं। मिसाल तौर पर ये क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज इम्प्लॉयड बाय अकोमोडेशन स्ट्रेटेजी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की के कॉन्सेप्ट में अकोमोडेशन स्ट्रेटेजी आप किसको कहेंगे? आई एम वॉचिंग फॉर योर आंसर्स, अगर आप आंसर दे सकें कोई स्टूडेंट्स। जी डी आंसर बिल्कुल सही है, उसामा हसन ने जवाब दिया है और डी आंसर पुट किया है। और कोई स्टूडेंट ट्राई करें, अगर उनके जहन में कोई और आइडिया आता है तो। जी तो डी ऑप्शन ही, खावर याकूब ने भी मुझे बताया है, तो मैं देखता हूँ कि क्यों डी की ऑप्शन क्या सही है कि नहीं है। तो हमारे नज़दीक डी के ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसकी वजह यह कि पहली ऑप्शन जो दी थी वो था द बिजनेस इज प्रिपेयर्ड टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स एक्शन एंड प्लान्स इन एडवांस टू मिनिमाइज इट्स एडवर्स इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स एंड इन्वायरमेंट। तो ये तो है कि बिजनेस अपनी पूरी जिम्मेदारी कबूल करे, लेकिन अकोमोडेशन स्ट्रेटेजी ये नहीं है। कम से कम स्टेटमेंट चाहे अच्छी है बुरी है एक अलग मसला है, मसला ये कम से कम ये अकोमोडेशन स्ट्रेटेजी नहीं है। बिजनेस रिकॉग्नाइज दैट इट्स हैज प्रॉब्लम एंड अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज आर अवॉइड एडिशनल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम इट। बिजनेस रिकॉग्नाइज करता है कि जो प्रॉब्लम है वो अटेम्प्ट करता है कि उसको मिनिमाइज किया जाए, अवॉइड किया जाए ऑब्लिगेशंस को, तो ये और बात है, ये इतना कंसर्न नहीं लग रहा। दूसरी तीसरी चीज है द बिजनेस साइड साइट्स इट्स फैसिलिटीज इन एरियाज व्हिच विल बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हाइल मिनिमाइज एनवायरमेंटल इंपैक्ट एट द साइट्स। ये भी अच्छी स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन बहरहाल अकोमोडेशन स्ट्रेटेजी नहीं है। अकोमोडेशन स्ट्रेटेजी क्या है? अकोमोडेशन स्ट्रेटेजी है द बिजनेस टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स एक्शन इन रिस्पॉन्स फॉर प्रेशर। हाँ यह देखिए ना, प्रेशर फ्रॉम द इंटरेस्ट ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप के प्रेशर आर द रिस्क ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, के गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस का डर है या प्रेशर ग्रुप का दबाव है जिसकी वजह से लग रहा है कि शायद बिजनेस जो है वो बंद हो सकता है या उसके ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी जो है उसको लेने के लिए वक्ती तौर पे जो है वो ऐसी स्ट्रेटेजी पिक कर रहे हैं जिससे नज़र बचाई जा सके या इससे बचा जा सके। तो इसको डी ऑप्शन इसलिए पिक किया है। जी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? शाबाश, तो स्टूडेंट्स के जवाब आ रहे हैं, उसामा ए दे रहे हैं, कुनैन सैयद ए दे रहे हैं ऑप्शन, और बाकी बच्चों में जो है वो
खावर याकूब है, मंसूर अंसारी है, जयान मजीद है, तो ये तमाम बच्चे जो हैं ये ए ऑप्शन ही मुझे पिक करा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो अब इसके अंदर हम कह रहे हैं कि दिस इज़ द ए ऑप्शन इज करेक्ट एट द डोमिनेशन ऑफ आ ऑफ द बोर्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल बोर्ड पर डोमिनेट कर रहा है, और बी जो है क्रिटिकल क्वेश्चन ऑफ सीनियर मैनेजर बाय एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर अगर क्रिटिकल क्वेश्चन करते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं, ये तो अच्छी बात है। हमें तो ये ढूंढना है कि पुअर कहाँ पे है, तो ये पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सिचुएशन हो सकती है। सुपरविजन ऑफ स्टाफ इज की रोल, ये भी अच्छी बात है। उसके बाद लैक ऑफ फोकस ऑन शॉर्ट टर्म, तो अगर शॉर्ट टर्म पे फोकस नहीं तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे फोकस होगा, तो ये भी आप पॉजिटिव ले सकते हैं। लेकिन बेसिकली डोमिनेशन ऑफ ऑफ द बोर्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल, ये है एक पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिकली जो व्यू नज़र आ रहा है हमें। अच्छा जी, इसके बाद सवाल आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ट्रू, कौन सी इसमें से जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से स्टेटमेंट ठीक है। टेक योर टाइम, इजीली आप क्वेश्चन को रीड करें फिर आंसर करें। तो मैं ये देख रहा हूँ कि उसामा ने डी ऑप्शन पिक किया है, इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही पिक किया आपने, थर्ड ऑप्शन लिया है, और वो ऑप्शन जो है वो क्या है, वो ऑप्शन ये है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मे हैव कमर्शियल बेनिफिट्स, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जब सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर अमल करती है, एथिकल चलती है, तो इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये भी हो सकता है कि ये पॉपुलर हो जाए और इसके नतीजे में इसके शेयर ज़्यादा खरीदे जाए, इसका प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदा जाए, ठीक है जी, और नहीं भी हो सकता, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ज़्यादातर चांस ये कि हो सकता है लेकिन गारंटी नहीं है, इसलिए मे का ऑप्शन लेना चाहिए। और जो ऊपर है, क्योंकि आप कह रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गारंटी ना इंक्रीज इन प्रॉफिट, तो गारंटी नहीं है, हाल बता आजकल होता यही है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस पर अमल कर रही है उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। CRS adds cost to the organization activities and reduce profit, ऐसा कतई नहीं है कि सिर्फ cost add होती है, इससे मुनाफे में भी इजाफा होता है। और D है social responsibility is concerned confined to business organization, no, it is not only confined to business organization, it is confined to all types of organization, even NGOs and other companies जो who are involved, तो इस सब के साथ इसका है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स पे अमल करें और बाकी एनजीओ और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो उन्हें कि आप एथिक्स एक्ट के जो मर्जी कर लें, ऐसा नहीं है, एथिक्स सब के लिए होती है। तो लिहाजा बिल्कुल ठीक है आपकी ऑप्शन, आपने डी ऑप्शन पिक किया है, तो इट्स अ वेरी इंकरेजिंग साइन कि आपने बिल्कुल सही पिक किया है। अब जहाँ तक सवाल है, हम बात करते हैं जब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एतबार से आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ आ जाती है बैलेंस स्कोर कार्ड। देखिए, एक ज़माना था कि जब हम बिज़नेस को सिर्फ प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे कि क्या ये बिज़नेस जो है प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और अगर ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो बस फिर ये बेस्ट बिज़नेस है और इसके शेयर हमें खरीदने चाहिए। लेकिन आज का जो दौर है इसमें क्या किया जाता है कि एक चीज़ को नहीं देखा जाता बल्कि मल्टीपल एंगल्स को देखा जाता है, मल्टीपल चीज़ों को देखा जाता है। तो आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ों को व्यू किया जाता है मुख्तलिफ एंगल से। मिसाल के तौर पे आज का जो दौर है उसके अंदर हम देखते हैं कि एक बिजनेस जो है जी वो चार चीज़ें हैं, तो चार चीज़ों में से सबसे पहली बात यह है कि इस कंपनी का प्रॉफिट कितना है। ये तो आप कहेंगे सर वही बात है, तो ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है, प्रॉफिट कितना है और इन्होंने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया हुआ है, इसका हुजम क्या है और इनका प्रॉफिट क्या है। बाकी आप वो रेशियो भी से डाल सकते हैं, जैसे कि रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है जी, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी आप डाल सकते हैं। लेकिन
दूसरी तरफ अब सिर्फ ये नहीं देखा जाता, ये भी देखा जाता है कि इनके कस्टमर की ओपिनियन इनके मुतल्लिक क्या है, कस्टमर ओपिनियन, क्योंकि उससे आपके ब्रांड का पता चलता है कि आपका ब्रांड कैसा है। तो एक ये भी चीज़ देखी जाती है। तो अब जब स्टॉक एक्सचेंज में लोग जाते हैं या कोई बिजनेस करने जाते हैं, तो ये भी देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कैपिटल कितना इम्प्लॉयड किया हुआ है, और ये भी देखते हैं कि इसका कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है इससे। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है, इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसका मार्केट इमेज अच्छा है। इसके साथ साथ ये भी चीज़ देखी जाती है कि इंटरनल पर्सपेक्टिव में ये देखा जा सकता है, देखा जाता है कि इनकी जो है वो इंटरनल एफिशिएंसी कितनी है, यानी ये जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं इसके अंदर ये किस कदर ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, किस कदर ज़्यादा कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। तो ये भी एक एंगल है जिससे हम देखते हैं कि क्या ये बिजनेस सही सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। इसके साथ साथ एक बड़ा अहम एस्पेक्ट है आज के दौर में, और वो ये है कि ये कंपनी किस हद तक इनोवेटिव है, इनके पास किस कदर नए आइडियाज़ हैं, क्या ये कोई नित नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, यानी मींस डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स हो रही है कि नहीं हो रही। अब देखिए, अगर ये नहीं हो रही तो इसका मतलब अल्टीमेटली यही लिया जाएगा कि ये कंपनी जो है इसके प्रोडक्ट्स वही हैं, और अब नए प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे तो फिर थोड़े अरसे बाद इसकी पिटाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि आजकल तो दौर है वो तो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। आप देखिए कि इतनी तेज़ी से कभी भी चीज़ों के मॉडल चेंज नहीं होते थे। जैसे एयर कंडीशनर को ले लीजिए, हर साल आपको हर किसी ना किसी कंपनी में कोई कोई ना कोई ऐसा इनोवेटिव फीचर लेके आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे यार, इन्होंने क्या नई चीज़ रख दी। आप एयर कंडीशनर को देखिए, एक ज़माने सिर्फ विंडो एसीज होते थे हमारे घरों में, और वो जब चलते थे तो स्टार्ट में ही 1 टन का एसी जो है 16 एम्पेयर करंट खींच रहा होता था। यानी उसका मतलब ये था कि अगर आपने एसी घर में लगाया तो समझ लीजिए ट्रांसफार्मर 2 घर 3 घरों के बाद एक ट्रांसफार्मर होगा तो काम चलेगा, तो बड़ा रेयर था। लेकिन आगे चले तो वो स्प्लिट यूनिट्स चल पड़े, वो फिर कॉल हाफ टाइम या 140% एनर्जी सेवर थे। तो उसके बाद आए तो फिर वो इन्वर्टर आ गए, डीसी इन्वर्टर कन्वर्जन टेक्नोलॉजी आ गई, और इस तरह करते 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 काफ़ी ज़्यादा सेविंग टेक्नोलॉजी आ गई, और अब उसके अंदर सिम डालती है, आप मोबाइल से उसे ऑन कर सकते हैं, आप मोबाइल की ऐप से वो जितना करंट कंज्यूम कर रहा है वो देख सकते हैं, उसका बिल कितना कॉस्ट कर रहा है वो कर देखते हैं। तो इसी तरह गाड़ियों में देख लीजिए, गाड़ियों में एक गाड़ी इंट्रोड्यूस हो रही है पता लगता है जी 70 की दहाई में, उसका अगला मॉडल आ रहा है जी 85 में, उसके बाद एक मॉडल चेंज हो रहा है जाके 2010 में। मतलब कहने का है कि 20 20 15 15 20 20 साल एक डिज़ाइन चल रहा है, और आज अगर आप देखते हैं तो हर मैक्सिमम 3 साल एक गाड़ी कंटिन्यू करती है कंपनी, 5 साल करती है, उसके बाद फौरी तौर पर कस्टमर पूछना शुरू कर देता है अच्छा जी नया क्या है। तो इसलिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्ट है, तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स जो है कितनी ज़्यादा ही कर पाते हैं, तो ये बड़ी इनोवेटिव अप्रोच है कि नहीं है, इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। तो आज का दौर जो है वो ये है कि प्रॉफिट भी देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड जो पहले देखते थे वो भी देखो, उसके साथ साथ इनकी इंटरनल एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग देखो, फिर देखो क्या कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, और फिर ये देखो कि इनके पास कुछ नए प्रोडक्ट बनने भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पहली बात जिस पे हमें नज़र होनी चाहिए वो ये है कि इनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। दूसरा, क्या आया इनका कस्टमर इनसे सेटिस्फाइड है। तीसरा, क्या इनका जो प्रोसेस है इंटरनली क्या वो कॉस्ट एफिशिएंट है या नहीं है। यही वजह है कि आज के दौर में कॉस्ट अकाउंटेंट की अहमियत बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या हमारे प्रोसेस और प्रोसीजर्स हैं वो इंटरनली एफिशिएंट हैं, मिनिमम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, मिनिमम कॉस्ट में क्वालिटी को इंश्योर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, और फोर्थ ये है कि इनोवेटिव पर्सपेक्टिव में देखा जाता है कि क्या ये नए प्रोडक्ट इन्वेंट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं नहीं बना रहे। तो ये वो चीज़ें जो हमारे पेशे नज़र होती हैं। तो यहाँ पे आके हम ये वाला जो हमारा टॉपिक था कल वाला, इसे मैं सम अप यहाँ पे कर देता हूँ, इसे मैं वाइंड अप कर देता हूँ। इसके अंदर जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, डिस्कस की हैं, इसके अंदर जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, उसके अंदर जो है मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि
रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है डायरेक्टर की, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने लिंक किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ, और मैंने अकोमोडेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताया, और फ्यूचर ऑफ पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताई, और आखिर में मैंने आपके साथ जिक्र किया कि बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच क्या होती है। इसके अंदर भी आज एक सवाल था मेरे पास उस्मान शेख का, और वो ये था कि आप ने कहा था कि आप कोर्स आउटलाइन डिस्कस करेंगे हमारे साथ, तो मैंने आपसे बोला था कि कोर्स आउटलाइन जो है वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कमिंग वीक में। तो आज तो कमिंग वीक नहीं है, आज तो यही वाला वीक चल रहा है, तो कमिंग वीक में क्यों डिस्कस करूंगा, जरा थोड़ी सी स्लाइड सामने रख के बात होगी, इस तरह से बात अगर मैं करूंगा तो, क्योंकि जब कोर्स होता है वो और तरह होता है, और जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सी चीज किसके साथ हम लिंक कर सकते हैं। तो अगर मैं कोर्स आउटलाइन से डिस्कस करूंगा तो एक चीज सामने होगी, मैं कहूंगा नहीं ये मैंने इधर नहीं उधर पढ़ाई थी, ये मैंने इधर नहीं उधर की थी, तो नतीजा ये होगा कि बजाय कुछ समझ आने के पता लगेगा जो चीज आप समझना चाह रहे हैं उससे कुछ ज्यादा ही समझ आ गई। तो लिहाजा बेहतर ये है कि इसको जो है नेक्स्ट वीक डिस्कस करते हैं आपके साथ, और नेक्स्ट वीक मैंने आपके साथ वेनसडे की बात की थी, नहीं वेनसडे आपका लेक्चर था थर्सडे को, मैंने थर्सडे की बात की थी, याद होगा आपको, बल्कि इसी तरह मैं कल भी भूल गया था, पहले मैंने वेनसडे बोला फिर मैंने कहा कि थर्सडे को करेंगे, तो ये इंशाल्लाह थर्सडे को आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपका ख्याल ये है कि आप मेरे से ये पूछना चाहते हैं कि सर कोर्स कितना हो गया, तो कोर्स आपका जो है 80% के करीब करीब पहुंच चुका है, और अभी भी 15-20% कोर्स आपका बाकी है अकॉर्डिंगली। बाकी मैं एक दफा फिर अपना लेक्चर प्लान रिव्यू करके आपको अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। तो ये बच्चों का हमारा जो है इस हवाले से बात। फिलहाल मैं इस स्लाइड को जो है स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग से, और मैं आपके लिए नई स्लाइड से वो मैं खोलता हूँ, ठीक है जी। तो स्टॉप शेयरिंग फॉर द व्हाइल एंड लेट मी गो फॉर द न्यू स्लाइड्स। अच्छा अब मुझे जाना चाहिए 48 टॉपिक के ऊपर। तो 48 टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, मैं अभी आपके सामने रखता हूँ ये बात कि जनाब इसके अंदर हमारी जो है वो क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। लेट मी सी तो लीजिए जनाब मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, ये आ गई जी आपकी स्लाइड्स आपके सामने, यहाँ से आएगी, ठीक है ये स्लाइड्स आपके सामने आ गई, और मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ। मैक्सिमाइज करते हैं तो सामने जो बात आती है सबसे पहली चीज जो आपके सामने आई वो ये है कि 47th टॉपिक कवर कर लिया, 48 टॉपिक पे जा रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस खत्म हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बाद हम चल रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल नया सेक्शन है, नया टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। मैंने IB लिख दिया था यहाँ पे सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, ये है टॉपिक जिस पर हम बात करने लगे। अच्छा जी, तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की तरफ हम चल रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर जिन चीज़ों को हम जेरे बहस लाएंगे आपके साथ उनको मैं ज़रा थोड़ा सा आपके सामने रखना चाह रहा हूँ एज अ कंटेंट अंडर डिस्कशन। तो जो कंटेंट अंडर डिस्कशन है उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, चूँकि अगर आप एक इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ने जा रहे हैं और फिल फॉर हम जो है वो इसको जेरे बहस लाते ही नहीं कि इसके अंदर इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, तो फिर डेफिनेशन कहाँ से आप लोगे इसकी। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि इसको हम डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये है ग्लोबलाइजेशन पे बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे बात करेंगे, और ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे बात करेंगे। ये हैं जो पहले कॉन्टेंट मैंने चूज़ किए 48 टॉपिक में। अब इसके अंदर बिफोर वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं जी इसको।
तो जनाब सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने आती है वो है कि ग्लोबल बिजनेस इन ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो सबसे पहली बात ये कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। देखिए आमतौर पे बिजनेस में हम जो है वो कुछ ऐसी ट्रांजेक्शंस करते हैं, कुछ ऐसा डील करते हैं जिसके अंदर वी कैन हैव अ कमर्शियल ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियल ऑब्जेक्टिव। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, तो इंटरनेशनल बिजनेस डिफाइन करता है एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन डेट अकर अक्रॉस कंट्री बॉर्डर्स, एक ऐसी कमर्शियल ट्रांजेक्शन, एक ऐसी कारोबारी डील, एक ऐसी तजारती पहलू जो कि किसी मुल्क की बाउंड्रीज की हदूद से बाहर चली जाती है, यानी वो जियोग्राफिकल लिमिटेशन से बाहर निकल कर तजारत की जाती है या डील की जाती है या ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं, तो हम इसको कहते हैं ये है इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा। अब जहाँ तक सवाल है, व्हेन ए कंपनी सेल्स अ प्रोडक्ट इन यूएसए, जापान, थ्रू आउट यूरोप, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। क्योंकि पाकिस्तान की कोई ऐसी कंपनी है जो अमेरिका में जाकर चीज बेच रही है, जापान में बेच रही है, यूरोप में बेच रही है, या सब में कम्बाइंड बेच रहे हैं एट ए टाइम, तो हम इसको कहेंगे ये इंटरनेशनल बिजनेस है। एक और तरह से भी बात कर सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कंप्राइजेस ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर रीजन्स, वो तमाम ट्रांजेक्शन जो कि दो या दो से ज्यादा रीजन्स के फैली हों, कंट्रीज में, नेशंस में, बियॉन्ड देयर पॉलिटिकल बाउंड्रीज, अपनी सियासी बाउंड्रीज या पॉलिटिकल बाउंड्रीज या जोग्राफियाई हदूद से बाहर जाके दो इलाकों में, दो मुल्कों में, दो कौमों में होने वाली जो ट्रांजेक्शन्स हैं, हम उसको कहते हैं दिस इज इंटरनेशनल बिजनेस। तो हम इसको इंटरनेशनल बिजनेस का दर्जा देते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए कि जो कंटेंट्स को आप देखते हो, तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई वर्केबल हैं, जैसे इंट्रोडक्शन क्या है, ग्लोबलाइजेशन की बात हो गई, एमर्जिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन डिबेट है कि इसने अनएम्प्लॉयमेंट फैलाई है या बढ़ाई है, कम की है, मैनेजिंग ग्लोबल मार्केट प्लेसेस, ह्यूज इश्यूज टू डिस्कस तो क्या हमारे फ्यूचर में आगे आएंगे। सबसे पहले हमने जैसा कि तय किया था कि पहले ग्लोबलाइजेशन पे बात कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पिछले चंद सालों में बड़ा पॉपुलर हुआ है, इसको ग्लोबल विलेज का वर्ब भी कहा जाता है। और ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट ये है कि कौमें तिजारत में इन्वॉल्व हो गई हैं, एक दूसरे के साथ डील्स में इन्वॉल्व हो गई हैं, और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया सिमट के एक ग्लोबल विलेज की शक्ल अख्तियार कर रही है। तो कहते हैं द प्रोसेस बाय विच बिजनेसेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑन एन इंटरनेशनल स्केल, के कारोबारी दुनिया और कारोबार जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस पिक किया है, और नतीजा ये है कि जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो इंटरनेशनल स्केल या ग्लोबल विलेज के माहौल के मुताबिक हो रही है। अब इसके अंदर जो ग्लोबल विलेज है उसके या ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन पहले लोकल लेवल पे सोचती थी, लोकल मार्केट का या नेशनल मार्केट का सोचती थी, अब वो नेशनल मार्केट या लोकल मार्केट के हवाले से नहीं सोचती, बल्कि अब वो जो है वो इंटरनेशनल स्केल या एक बड़े पैमाने पर सोचती है। तो हम इसको कहते हैं ये ग्लोबलाइजेशन है। अब जो ग्लोबलाइजेशन है इसको अगर आप मजीद एक दूसरे अल्फाज में देखते हो, तो इसका मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन इज अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमीज। तो ये एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है इंक्रीज होते हुए पूरी दुनिया की इकोनॉमीज, कल्चर, पॉपुलेशन ब्रॉट अबाउट अक्रॉस बॉर्डर इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, फ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपल एंड इंफॉर्मेशन। तो ये ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन है कि ग्लोबलाइजेशन जो है इज अ वर्ड जो डिस्क्राइब करता है कि पूरी दुनिया एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार कर रही है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है? इन्हिसार कर रही है किन मामलों में? मीशत को चलाने में, कल्चर को आगे बढ़ाने में, पॉपुलेशन को थ्रू आउट अक्रॉस बॉर्डर ट्रेड, तिजारत, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी, लोगों की मूवमेंट और मालूमात की मूवमेंट। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मालूमात की कोई हदूद नहीं है, लोगों के लिए कोई हद लिमिट नहीं है, इन्वेस्टमेंट के फ्लो के लिए कोई हद नहीं है, टेक्नोलॉजी हर एक का हक है, सर गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी मुल्क में जाकर बेची जा सके, तो हम इसको कहेंगे ये है ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन दोबारा पढ़ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन एक ग्रोइंग
दुनिया का इनहिसार है एक दूसरे में, जिसके अंदर इकोनॉमीज, कल्चर और पॉपुलेशन जो है वो आगे बढ़कर गुड्स एंड सर्विसेज को शेयर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहे हैं, सरमायाकारी को शेयर कर रहे हैं, और लेबर दुनिया भर में लेबर के फ्लो को और मालूमात को आपस में जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं या उसका फ्लो फ्री कर दिया गया है। तो इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब अगर आप कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, जो तो ग्लोबलाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो खासी लंबी चौड़ी बात है वैसे तो, लेकिन मैं इसको मुख्तसरन अगर बयान करता हूँ तो मैं इसमें फर्स्ट एरा जो बयान करता हूँ वो आपके साथ हम बात कर लेते हैं, जो कि 19वीं सदी से पहले की बात है। तो जो 19वीं सदी से पहले की बात है, यानी 17वीं, 18वीं या 16वीं सदी, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि पूरी दुनिया भर में कोई ब्रांड्स नज़र नहीं आते, ना तो कोई पेप्सी है, ना कोक है, ना कोई टोयोटा है, ना होंडा है, यानी ब्रांड्स गायब है यहाँ पे। यहाँ पे गुड्स एक्सचेंज हो रही है, यहाँ पे गुड्स एक्सचेंज हो रही है, गुड्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स एक्सचेंज हो रही है, या गोल्ड स्टैंडर्ड है अशरफियों के अगेंस्ट, या मेटेलिक स्टैंडर्ड के अगेंस्ट गुड्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की जा रही है। ये वो दुनिया है जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो है इंडिया को, यानी ये जो हमारा बरसगीर पाक को हिंद से सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसकी वजह ये थी कि जो दुनिया भर में एक्टिविटीज हो रही थी उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो है सारी की सारी चीजें जो है वो इस तरह से मैनेज की जा रही थी जैसे कि आप अपने इश्यूज में मुख्तलिफ चीजों को देखते हैं कि जी सबसे अमीर मुल्क जो है वो ये बरसगीर पाक व हिंद था। इस सेंस में था कि यहाँ पर जो है वो जो लोग हैं वो फर्टाइल लैंड के ऊपर जमींदारी करते थे, या आप कह सकते हैं कि काश्तकारी से वाबस्ता थे। अब काश्तकारी से वाबस्ता होने की वजह से, यानी ज़राअत से वाबस्ता होने की वजह से, जो दुनिया में ब्रांड थे नहीं, अब ब्रांड मौजूद नहीं थे, तो जब ब्रांड नहीं होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि दुनिया में जो चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है वो क्या है, वो है वीट, वो है राइस, वो है कॉटन, यानी बगैर ब्रांड के जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट हो रही थी, लिहाजा नतीजा ये निकला कि जो चीज़ें हैं वो आप ये कह सकते हैं कि यही चीज़ें जो है वो बिकना शुरू हो गई दुनिया में। और फिर क्या होता था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जरहेज़ ज़मीनें जो हैं वो जो है इस बरसगीर पाको हिंद में थी, लिहाजा ये गिजा की पट्टी है उधर इधर ये है, तो जो जो जरहेज़ इलाके थे आमदनियाँ इनकी ज़्यादा थी, इन्हीं इलाकों में इन्वेडर आते थे, हमला करते थे, सोना लूट के ले जाते थे। ये लोग चूंकि इनके पास जरहेज़ ज़मीनें और पानी था, इसलिए ये फिर गंदम उगाते थे, फिर गन्ना उगाते थे, ये फिर सारे सोना अपनी तरफ इकट्ठा कर लेते थे, गोल्ड के अगेंस्ट एक्सपोर्ट करते थे। इसे भारत को ही ये जो हमारा बरेसगीर पाको हिंद है सोने की चिड़िया कहलाता था। तो यहाँ पे तिजारत होती थी उस जमाने में, यानी 18वीं सदी के अंदर अगर आप देखते हो तो आपको ब्रांड नजर नहीं आते, ना पेप्सी, ना कोक, ना टोयोटा, ना होंडा, कोई ऐसी चीज नहीं है, तो सिर्फ गुड्स एक्सचेंज हो रही है अगेंस्ट अ गोल्ड स्टैंडर्ड। इसलिए अगर आप देखते हैं तो जो चेंजेस आनी शुरू होती हैं वो आपको ज्यादा नजर आती हैं जब आपकी ये जो कॉलोनियलिज्म फैलता है। तो कॉलोनियलिज्म फैला इसलिए था कि जिन इलाकों में रॉ मटेरियल अच्छा है वहां पर जाके उन्हें कैप्चर किया जाए, और कुछ कौमों ने जल्दी तरक्की करते हुए रेल रोड सिस्टम अडॉप्ट कर लिए, ठीक है जी, तो उन्होंने रेल एंड रोड सिस्टम अडॉप्ट कर लिए, उन्होंने जो है स्टीम इंजन या स्टीम शिप्स बना लिए, टेलीग्राफ को ले आए, यानी कम्युनिकेशन में आगे उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिए, तो ये इकोनॉमीज ग्रो होना शुरू हो गई। और ऑब्वियसली इन्होंने अपने वेपन भी बेहतर किए, पर्टिकुलरली जो तोपखाने का इस्तेमाल है और मॉडर्न जो है वो सिस्टम लाए, तो इन्होंने इन मुल्कों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक सिचुएशन शुरू हो गई, कुछ इलाकों में बरतानिया कब्जा कर रहा है, कुछ में फ्रांस कब्जा कर रहा है, तो अल्टीमेटली आगे बढ़ना शुरू हो गए, और रिजल्ट ये हुआ कि अभी फिलहाल दुनिया में वो जो ग्लोबल ग्लोबलाइजेशन है उसका कॉन्सेप्ट जो है कॉलोनियलिज्म में चला गया। तो ये आगे चल के इसकी हिस्ट्री शुरू होती है, लेकिन तिजारत यहाँ से बहरहाल बढ़ना शुरू हो गई क्योंकि पूरी दुनिया के वसाइल पे अमीर कौमों की नजर आना शुरू हो गई।
उसके बाद हम देखते हैं तो वर्ल्ड वार टू वन शुरू हो जाती है। वर्ल्ड वार वन के बाद देखते हैं तो वो उसके जो कह सकते हैं कि ज्यादतियाँ और जुल्म है, उसके नतीजे में फिर एक वॉर होगी जिसको वर्ल्ड वार टू कहते हैं। अच्छा, वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के दरमियान एक बड़ा फिनोमिना जो है ग्रेट डिप्रेशन का है, कि दुनिया भर में गुड्स थी बट खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे। मॉनेटरी सिस्टम क्लैप्स कर गया था, फाइनेंशियल सिस्टम क्लैप्स कर गए थे। और ये एक बड़ा फिनोमिना है कि जब भी दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें होती हैं तो लोगों का बिहेवियर बदल जाता है। अच्छा, बिहेवियर बदल जाता है तो जो इकोनॉमिक्स थ्योरी होती है, फाइनेंशियल मॉडल्स होते हैं, वो क्लैप्स कर जाते हैं। जो बिहेवियर चेंज हो गया तो मॉडल भी चेंज हो गए, मॉडल एब्सोल्यूट हो जाते हैं, रवैया डिफरेंट हो जाता है, दोबारा फिर रिसर्च का करनी पड़ती है। तो ये 1930s में के करीब आप कह लीजिए कि जो ग्रेट डिप्रेशन है, उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि राइज हुआ है केन्स का। केन्स के बाद फिर उसके फाइनेंशियल वर्क के अंदर जेम्स टोबिन है और ये सारे, ये इसके बाद आ रहे हैं। फिर मार्केटिंग से का जो मॉडर्न सब्जेक्ट है डेवलप हुआ, तो ये उसके बाद की बात है। उसके बाद फिर आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार टू यू कैन से इज अ बिग वॉर फिर अगेन होगी। अब इसके बाद जो हिस्ट्री ग्लोबलाइजेशन का जो एस्पेक्ट फिर आया है, वो एस्पेक्ट इस तरह से आया है जिसको आप ये कह सकते हैं कि पूरा यूरोप जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा था और वर्ल्ड वार की तबाही दुनिया ने देखी, जिसके अंदर के बुरी तरह से एक दूसरे का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, एक दूसरे को जो है उनका जो पूरा निज़ाम थे एक दूसरे के तबाह कर दिए गए। अब मसला ये पैदा हो गया यूरोप के पास कि अब इसको हम हल कैसे करेंगे। अब इसको हल करने के लिए वो होता है ना, जब बड़ी जितनी बड़ी जंग लड़ी जाए ना, उसके बाद उतने बड़े अमन के जज्बात जाग जाते हैं। तो फिर उसके बाद दुनिया में एक सोच पैदा हुई कि इतने बड़े पैमाने पे एटम बम भी इस्तेमाल करके देख लिए तो मसाइल कोई हल नहीं हुए, तो फिर दुनिया का जो मसला है उसका हल क्या है। मसले का हल तो यही है कि जो वसाइल हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर किए जाएं, रिसोर्सेज और गुड्स को एक्सचेंज किया जाए। तो यहाँ से फिर ये जो मॉडर्न बिजनेस है उसका इब्तदा हुआ, और उसके इब्तदा के साथ साथ फिर ग्लोबलाइजेशन का आइडिया जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो गया। अब इसके अंदर अगर आप मेरे से पूछेंगे चेंजेस को मैं किस एंगल से देखता हूँ, तो मैं इसको अगर अपने परसेप्शन से पेश करूँ, तो आप में से अक्सर बच्चे जो है वो इकोनॉमिक्स बड़े शौक से पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, मैं अगर उसी एंगल से पेश करूँ तो मैं आपको यूँ पेश कर सकता हूँ कि देखिए आपने आपको मैं यूँ कह सकता हूँ कि अगर आप जो है बिफोर 19th century देखिए दुनिया को, उसके बाद आप ऐसा कीजिए कि आप दुनिया को देखिए ड्यूरिंग द 19th century देखिए, 19th century टूवर्ड्स ले जाइए इसको, कोई 1990 तक ले आइए, ये कोई तकरीबन 1890 से, बल्कि कर देते हैं 1890 से 1890 से 1990 तक ले आते हैं, और इसको कर देते हैं बिफोर 1890, ठीक है जी। और उसके बाद हम इसको ले आते हैं यहाँ पे एक दौर और कर लेते हैं जो 1990 आफ्टर का दौर है। तो आप बच्चों ने जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में आने वाली चेंजेस की बात करता हूँ। अच्छा, इन चेंजेस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ज़रा गौर फरमाइएगा कि जो ये जो दौर है 1890 या 1850 60 जो है, ये इसका जो दौर है, यहाँ तक जो है जो दुनिया में लैंड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि ये इस वक्त इतनी ब्रांडिंग अभी नहीं हुई थी, तो जो प्रोडक्शन कर सकता है, जरखेज़ ज़मीनें हैं जिसके पास, तो वो सबसे ऊपर लैंड की अहमियत है। यही वजह थी कि इंडिया इज़ अ गोल्डन स्पैरो, इंडिया इज अ गोल्डन स्पैरो, इसमें हमारा एरिया भी आता है और उनका एरिया भी आता है, तो ये गोल्डन स्पैरो थी। उसकी वजह ये है कि ये आप ये कह लीजिए कि ये कोई अनलिमिटेड हद तक रिसोर्सेज रखते थे और कमाते थे। लेबर की अहमियत यहाँ पे थी, लेकिन लेबर की अहमियत कभी भी कम नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे लेबर थी जो फिजिकली फिट लोग होते हैं, जो हल चला सकते हैं, बड़े वजन को उठा सकते हैं, और कैपिटल इस वक्त इतनी अहमियत नहीं रखता था। तो
क्योंकि ज्यादातर बैल से हल चलता था और ना ही एंटरप्रेन्योरशिप की इतनी अहमियत थी और इसको उस जमाने में जो है कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी इसकी। अच्छा, और ज्यादा से ज्यादा इसको इसको ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन ही कह दिया जाता था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा, लेकिन जब हम आए 1890 तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है। अभी यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद दुनिया की जो तिजारत है उसका जो है तरीकाकार वो बदल गया और एकदम से जो है वो लैंड की अहमियत कम हो गई। लेबर की अहमियत अपनी जगह थी लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत कैपिटल की हो गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो मुल्क थे जिनके पास इक्विपमेंट था, टेक्नोलॉजी थी। तो ये G7 के टॉप लीडिंग यानी G7 कंट्रीज से बड़े 7 मुल्क हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, ये उनका ज़माना था जो डोमिनेट कर रहे थे। अच्छा, और यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की अहमियत थोड़ी बढ़ी और इसका नाम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया और तब ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई। और अब यहाँ पे जो है आप देखते हैं कि फ्रेडरिक टेलर आ जाते हैं, ठीक है जी, फ्रेडरिक टेलर आ जाते हैं और उसके बाद जो है वो यहाँ पे मिंट्सबर्ग आ जाते हैं। तो ये इस दौर कुछ ऐसे टेलर कहते हैं, सॉरी सॉरी टेलर एंड फ्योर, तो ये आ जाते हैं, आ जाते हैं। तो ये है वो जमाना जो कि इस दौर का था। लेकिन फिर जब आगे बढ़े हैं हम 1990s के बाद बिल्कुल हालात एकदम से फिर चेंज हुए। फिर दुनिया के जो बिजनेस है उसमें बिल्कुल सरकमस्टांसेस चेंज हुए। फिर जो चेंज हुए सरकमस्टांसेस, तो लैंड की अहमियत फिर इंक्रीज हुई है क्योंकि एग्रीकल्चर कमर्शलाइज किया अमेरिकन्स ने, कमर्शलाइज कर दिया एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्री की तरह ही डील करना शुरू कर दिया गया कि ये भी फार्म हाउसेस बना दिए गए, कमर्शियल बेस, इक्विपमेंट बेस जो है इन्वेस्टमेंट और खुराक की अहमियत भी थोड़ी बढ़ी, तो ये कमर्शलाइज हुआ। तो दोबारा फिर लैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू हो गई। अब यहाँ पे और वहाँ पे जो लेबर का फर्क है कि यहाँ पे लेबर जो थी वो फिजिकल थी, लेकिन इस एरा में जो लेबर थी वो टेक्निकल लेबर का जमाना आ गया। लेबर वो है जो टेक्निकली इक्विप्ड है और टेक्निकली जो है वो ज्यादा बेटर है। लेकिन उसके बाद जो है वो अगर आप देखते हैं कि जो आपका जमाना आया है फिर 90s, तो 90s के जमाने में आप देखते हैं यहाँ पे तो 1990s तो है, तो लेबर जो है वो उसका नेचर फिर बदल गया, अहमियत उसकी वही रही। आज ये फिर बन गई ह्यूमन कैपिटल, यानी अब इसको ह्यूमन कैपिटल कहा जा रहा है। और अब इसके अंदर जो मॉडर्न काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि मेरे एक दोस्त हैं, वो बल्कि मेरे एक उस्ताद हैं, डॉक्टर लोधी उनका नाम है, तो वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर इंसान जो है, जो ह्यूमन कैपिटल है, लेबर फोर्स है या मैन पावर है, उसकी भी फाइनेंशियल वैल्यूज को जनरेट किया जा सके और उसकी भी जो है फाइनेंशियल इनपुट लेके उससे उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा सके। तो इसके अंदर काफी लोग काम कर रहे हैं इस वक्त। अब जो नेक्स्ट आप देखते हैं तो कैपिटल की अहमियत अब थोड़ी कम हुई है पहले से, क्योंकि अब कैपिटल जो है लोग ये सोचते हैं, ये दुनिया ये सोचती है कि मशीनें बजाय अपने मुल्क में लगाने के दूसरे मुल्क में लगा दो जाके, ये तो प्रोडक्शन का वर्क जाए तो डंकी वर्क है, किसी से भी करा ले। लेकिन अब एंटरप्रेन्योरशिप की अहमियत एकदम ज्यादा हो गई। उसकी अहमियत क्यों हो गई है? क्योंकि आज का दौर जो है वो आइडियाज का दौर है। अब जो ये फोर्थ फैक्टर है अब इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है और अब एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे आप इसको एज अ कोर्स भी पढ़ते हो, ठीक है जी, और आप इसको जो है वो कहते हो कि जी आज का दौर जो है वो आइडियाज का दौर है। जिसके पास आइडियाज हैं वो ब्रांड डेवलप कर सकता है और जिस मुल्क के पास 5 से 7 ब्रांड्स हैं वही दुनिया का डेवलप्ड कंट्रीज है, बाकी सब कहानी है। और वो हम कैसे कह सकते हैं, उसके अंदर मॉडर्न बिजनेसेस को आप देख लीजिए तो आपको नजर आ जाएगा। जैसे वो एक छोटी सी एग्जाम्पल ये है कि एक बारबी डॉल नामी डॉल है जो $10 में दुनिया में बिकती है, हाँ जी $10 में बिकती है, और
अगर आप कहें कि ये बनती कहाँ पे है, तो इसके सबसे जो महंगी चीज़ है ना, वो इसके बाल है। बड़े सिल्वरी हेयर होते हैं, या बिल्कुल ओरिजिनल बाल होते हैं इसके। ये $1 में बनते हैं, ये बनते हैं हांगकांग में, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज़ है वो इसके कपड़े। इसके कपड़े जो है बड़े होते हैं, वो उसके ऊपर कोई ऐसा केमिकल होता है कि वो अंधेरे में चमकते हैं। ये तकरीबन बनते हैं जी $0.75 है जी, यानी 75 सेंट में, 75 सेंट में। और उसके बाद इसके जो एम्बॉडीमेंट असम्बलिंग है उसके ऊपर, उसकी सारी असम्बलिंग जो कि चाइना में होती है शंघाई वाली साइड पे, तो ये टोटल जो है $2 में तैयार हो जाती है। और इसकी कीमत जो है वो फॉर एवर $10 या इससे ज़्यादा ही रहती है हमेशा। तो इसके अंदर अभी आप कहेंगे सर कॉस्ट नहीं, अभी $1 और लगा दीजिए। इसकी जो कॉस्ट है इसकी मार्केटिंग की, इसके अंदर इसके कार्टून बनते हैं, इसके करेक्टर क्रिएट होते हैं और बड़ा कुछ होता है, तो इस सारे का सारा इसके अंदर शामिल हो जाता है। तो ये जो है तकरीबन $3 में तैयार होती है। और ज़रा सुनिए, ज़रा गौर वाली बात ये कि $3 में तैयार होती, बनती का सारी चाइना करीब करीब। और ये जो हेयर है मैंने आपको बताया, ये बनते हैं जापान में, सॉरी हेयर इसके जापान में बनाते हैं। और जो इसकी एम्बॉडीमेंट है वो हांगकॉन्ग में, और सॉरी कपड़े इसके हांगकॉन्ग में, असम्बलिंग चाइना में। तो ये ला के बना दी इन्होंने $2 में, $1 इसका वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग जिसमें करेक्टरिस्टिक्स वगैरह। तो ईच बार भी $60 या उससे ज़्यादा कमाया जा रहा है। और इसका ऑफिस कहाँ पे है? ऑफिस इसका न्यूयॉर्क में है। और इसका ऑफिस जो है वो गालिबन इतना है जैसा कि हमारा इधर कोई 5-6 मरले का एक घर होता है, बस ये इसका ऑफिस है। और ये दुनिया भर में इतना पैसा कमा रहे हैं। तो आज का ज़माना जो है आइडियाज़ का है, ब्रांड का ज़माना है। और अगर आप इस सेंस में देखें तो आपको बिल्कुल वाजिया नज़र आ जाएगा कि अगर आप टॉप 100 ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड लिखें, तो आप खुद देख लीजिएगा कि जिस भी मुल्क के वहाँ पे 6 ब्रांड होंगे वो डेवलप होगा कंट्री। फॉर एग्जांपल आप कोरिया की मिसाल ले लीजिए। अगर आप कोरिया को देखते हो तो कोरियंस ने जो है अभी कौन से ब्रांड लिए हैं? एक तो उनका ब्रांड है जो किया, आप गाड़ी देख रहे हो यहाँ पे, एक डायवोन का ब्रांड है, ठीक है जी। और एक लीडिंग ब्रांड उनका है जो सैमसंग है, ठीक है। ये 3 ब्रांड है। और कोरिया कहाँ खड़ा है आप खुद सोच सकते हैं, कहाँ तकरीबन 12 कंट्रीज की लिस्ट में आ चुका है। अच्छा, अब इसी तरह आप देखिए कि ये सारे का सारी जो कहानी है वो ब्रांडिंग से चलती है। आप, मैं छोटी सी मिसाल आपको ये भी दे सकता हूँ कि जो है अगर आप देखिए तो ये जो बर्गर है आज के ज़माने में क्या है बेसिकली, अगर आप इसे देसी जुबान में कहें तो ये एक बन टिक्की है, यानी एक बन है उसके अंदर एक टिक्की लगी हुई है चिकन की, यही है ना जी। लेकिन ये बन टिक्की बेचने में अमेरिकन ने कुछ 4-5 ब्रांड बना दिए, और वो भी टॉप ब्रांड में। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड देख लीजिए, बन टिक्की बेच रहे, ब्रांड है पूरी दुनिया, वो उसने लीड किया हुआ। इसी तरह आप देख लीजिए जो उनका KFC है, KFC को देख लीजिए, ये भी वही बेच रहा है। हार्डीज को देख लीजिए, वो भी वही बेच रहा है। अगर आप बर्गर किंग को देख लें, वो भी वही बेच रहा है। अच्छा, उसको देख लीजिए आप सबवे, इसको सबवे भी तकरीबन वही चीज़ है। यानी एक उनके पास आइडिया है और उसको उन्होंने लेके उसके अंदर कितने ब्रांड्स बना दिए। अब पिज़्ज़ा जो है इटालियन डिश है, लेकिन उसको लीड कर रहा है पिज़्ज़ा हट, और वो ब्रांड किसका है? वो अमेरिका का है। अब ये चीज़ होती है, जैसे चौंसा आम किसका है? पाकिस्तान का। रजिस्टर्ड किसने कराया हुआ? इंडिया की एक कंपनी है, उसने रजिस्टर्ड कराया हुआ चौंसा नाम से। अब ये जो ज़माना है ये ब्रांडिंग का है, और इसके अंदर देखा जाता है कि आप स्मार्ट कितने अपने इस काम में। लिहाजा मेरा ख्याल है कि आपको कुछ समझ आई होगी कि क्या था, फिर क्या हुआ, और आज हम कहाँ खड़े हैं। तो आई होप कि आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट कैसे चेंज हुई है, वो कॉलोनियल सिस्टम से लेके मैंने वर्ल्ड वार और उसके बाद सारी हिस्ट्री को लेते हुए यहाँ पे लाके आपको एक्सप्लेन किया है एक ही टेबल के ऊपर, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आज का ज़माना जो है वो इस सारी हिस्ट्री के बाद अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं। और अगर आप देखिए कि आज हमारा जो जवाल है उसकी एक वजह यही है कि हमारे पास ब्रांड्स नहीं है, हमारे पास जो है लोग हैं, फोर्स हैं, लेकिन बिजनेस आइडियाज़ नहीं है ना हमारा कोई। हमारे हम पूरी दुनिया का बेहतरीन गुलाब प्रोड्यूस करते हैं, गुलाब का रख हमारा पूरी दुनिया में बिकता है, एलोवेरा हमारे यहाँ खूब बिकता है, लेकिन हमारी कोई क्रीम नहीं है दुनिया में जो पॉपुलर हो। परफ्यूम हम बना सकते हैं, लेकिन सऊदियन परफ्यूम भी शायद ज़्यादा पॉपुलर हो, पाकिस्तान का कोई परफ्यूम नहीं जो वर्ल्ड क्लास हो। हमारे पास कॉस्मेटिक बनाने का तमाम मटेरियल मौजूद है, लेकिन हमारा दुनिया में कोई नाम नहीं है। जिप्सन हमारा अपना है, पत्थर हमारे पास अपना है, लेकिन दुनिया में महंगा तरीन सीमेंट हमारे मुल्क में बिकता है। तो यू सी वट द रीज़न इज दिस, वी आर लैकिंग इन द
बिजनेस आइडियाज, हम बिजनेस आइडियाज में काफी हद तक हमने मार खाई है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, इन्होंने यूट्यूब चैनल से कितना पैसा कमा रहे हैं आज, क्या है क्या यूट्यूब चैनल के बिल्कुल मेरे और आपके जैसे लोग हैं और वो वहाँ बैठे हुए हैं और वो ऐसे आइडियाज को डिस्कस करते हैं जिसे लोग व्यू करते हैं, वहां से उन्हें एडवर्टीजमेंट मिलती है और वहां से पैसा कमाते हैं। सॉफ्टवेयर देख लीजिए, सॉफ्टवेयर में कहाँ खड़े। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस के व्हाट वी रिक्वायर इज वी रिक्वायर नॉट टू वर्क अलोन, वी नीड टू ब्रिंग अवर वर्क इन एन ऑर्गेनाइज पैटर्न विद द ब्रांडिंग इफ यू वॉन्ट टू डेवलप अवर कंट्री। तो हमें टॉप ब्रांड लाने होंगे, हमें एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करने होंगे, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है हमारा मसला आज का, और मैंने आपके सामने ग्लोबल विलेज की सारी सिचुएशन जो आपके सामने रख दी। होप आपको मेरा स्टाइल पसंद आया होगा। मैंने इकोनॉमिक्स को पकड़ा, जहाँ जो आपको आता है उसी को लिंक करके मैं आगे ला के आपको यहाँ तक पहुँचा दिया मैंने। अब सवाल ये पैदा होता है कि टूडे ग्लोबलाइजेशन जो है वो कहाँ स्टैंड करती है। मैं अब बात करने वाला हूँ आज की दुनिया की। हिस्ट्री मैंने बहुत बयान कर ली और तारीख को मैंने अपने अंदाज में बयान कर दिया आपके सामने। अब कम अज़ कम आप इस लाइफ में इंशाल्लाह इसमें मार नहीं खाएंगे अगर इसके हवाले से कोई आपसे पूछ ले कि कहाँ थे कैसे चले। तो पहले आपने वो एग्रेरियन दौर देखना है, एग्रेरियन दौर जहाँ एग्रीकल्चर है और सोने की शरफियों से तिजारत हो रही है। उसके बाद आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन का G7 का दौर देखना है, जहाँ लेबर जो है वो क्या है, वो टेक्निकल लेबर हो गई, आप फिजिकल मसल की ज़रूरत नहीं, अब टेक्निक की ज़रूरत है। और अब जो है आपकी जो लास्ट फैक्टर है वो ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। फ्रेडरिक टेलर का ज़माना है, फ्यूल का ज़माना है, ये जनरल मोटर्स का ज़माना है। अच्छा, फिर आप आगे आते हैं तो तीसरा दौर जो शुरू होता है वो आज का दौर है, जो एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है, जिसके अंदर आइडियाज़ की कदर है और ब्रांड्स जो है वो जनरेट करें और यू कैन अर्न द मनी। भले जो है आप एक क्या करें, जो दूध पत्ती को एक जो है उन्होंने बना दिया ब्रांड और आज एक लड़का है इज माइट बी क्वालिफाइड इन फ्रॉम अ वेरी वेल नोन यूनिवर्सिटी MBA मार्केटिंग एंड इंजीनियरिंग, उसने दूध पत्ती को एक ब्रांड बनाया और उसके तकरीबन 4-6 आउटलेट उसकी बनाती है, उसके अंदर इनोवेशन ले आए डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है जी। तो ये भी हो सकता है मेरे, अब कुछ भी हो सकता है ब्रांडिंग में, ठीक है ना जी। तो मैं कहता हूँ कि अगर वो बर्गर बेच सकते हैं तो हमारे पास तो भाई मुतंजन है, हमारे पास बिरयानी है, हमारे सब बहुत अच्छी अच्छी डिशेज है, हम भी ब्रांडिंग कर सकते हैं और हम भी इसको बेच सकते हैं, तो ऐसी बड़ी बात नहीं। तो आज का जो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है वो है जिसके अंदर कुछ चीज़ें बड़ी अहम हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपसे ये कही कि जो आज का दौर है उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आपसे पूछी जाएगी इनोवेशन। क्या आपके पास कोई मॉडर्न आइडिया है जिससे आप कोई जदीद चीज़ बना दें और कुछ ऐसा बना दें जो दूसरों से हट के हो, कोई ऐसा आइडिया जो दूसरों से हट के हो। तो मॉडर्न डे आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस डेवलपमेंट में काम कर सकें, सर्विस डेवलपमेंट, तो एक तो बात ये होगी, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा इशू जो है आज के दौर का, सेकेंड इशू इज दिस विच वी कॉल्ड द सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट इशू, वो जो आज का इशू है वो ये है कि देखिए, आप जो है प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि जब मैच पड़ता है तो देखते हैं जदीद चीज़ कौन बनाता है और वो चीज़ सस्ती कौन बनाता है। तो जब ये बारी आती है तो फिर चाइना बीट कर जाता है, जापान को भी बीट कर जाता है, फिर कोरिया को भी बीट कर जाता है। तो उसकी वजह यह है कि क्या कॉस्ट मिनिमाइजेशन और एफिशिएंसी ऑफ इन द प्रोडक्शन एंड लोअर कॉस्ट, और यही वजह है कि आजकल जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब कंपटीशन वर्ल्ड वाइड पड़ेगा तो ये तो देखा जाएगा कि कॉस्ट मिनिमाइज कौन कर सकता है विद क्वालिटी इंश्योरेंस, तो ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद फिर आज जो है वो आप देखते हैं कि ये इज अ टेन्योर ऑफ अनरेस्ट वर्क, ये जो दौर है ये अनरेस्ट वर्क का है, ये मैक्सिमम एफर्ट का है, और इसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कि आप किस कदर बिजनेस इन्वायरमेंट को समझते हैं। और इसके अंदर आपको याद होगा हम जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ रहे थे तो हमने कहा था रिएक्टिव अप्रोच काम नहीं करती, ऑलवेज देयर शुड बी प्रोएक्टिव अप्रोच, क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। और अगर हम ये कहेंगे सब कुछ हम
कर लेंगे, हो जाएगा तो हो जाएगा तो होता रहेगा, फिर इस तरह तो नहीं होगा। तो वी मस्ट बी प्रोएक्टिव, पहले से अंदाजा किया जाए कि क्या होने जा रहा है इन एडवांस। तो ये चीजें जो है ये बड़ी जरूरी है। अब आप कहेंगे कि सर ने अभी हमें बता दिया कि ग्लोबलाइजेशन कैसे हुई है, इसमें कंपनीज का आपस में डायरेक्ट कंपटीशन आ जाता है, तो फिर कॉस्ट मिनिमाइजेशन की यकीनन देखा जाएगा, जैसे कि हाउ लॉन्ग टोयोटा विल सेल देयर कार ऑन द नेम ऑफ टोयोटा। अल्टीमेटली FAW जो है आ गई है चाइना से, फिर इसके बाद और ब्रांड आएंगे सामने, कब तक सैमसंग खड़ा रहेगा? तो जाहिर बात है ओप्पो भी आ गया है, इसी तरह देर आर नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स कमिंग इन द मार्केट। तो कंपीट करना पड़ेगा कि कौन कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकता है और कौन लेके चल सकता है इस चीज को। तो ये चीजें हैं जो आगे चल के बड़ा थ्रेट करेंगी, और इसके अंदर जो है देखा जाएगा कि कौन लॉन्ग टर्म अपने प्रोडक्ट को लेकर चलता है। बहरहाल जब भी चीजें बनती हैं तो पहले नहीं होती है, फिर लेटर ऑन वो ब्रांड बनी जाती है। जैसे हवा पे बहरहाल ब्रांड बन गया, ठीक है जी, किया बहरहाल आहिस्ता 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 अपने कदम जमाता गया। होंडा टॉप पे था, लेकिन होंडाई ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमाए और उन्होंने भी कुछ अच्छी गाड़ियां लॉन्च की हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक लॉन्ग फाइट है, जिसके अंदर अगर एक्टिवली काम किया जाए तो हम अपनी पोजीशन बहरहाल मार्केट में बना सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं उन ड्राइवर्स की तरफ जिन्होंने आज दुनिया में ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया। इसके अंदर सबसे पहली चीज जो है वो है आज के दौर में टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ग्लोबलाइजेशन ने जो लोगों को ईज प्रोवाइड किया है, और जिस तरह अक्रॉस द बॉर्डर सोच को प्रमोट किया है और एक दूसरे के करीब लेके आई है दुनिया को, पर्टिकुलरली जो एडवांसमेंट आया है दो इंडस्ट्रीज में। इसके अंदर एक जो आपको एडवांसमेंट नजर आता है वो एक तो आपको नजर आता है आपकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। तो एक तो आपको नजर आता है किसमें जी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आपको एक बहुत ज्यादा चेंज नजर आता है। पहले ये इस तरह से नहीं था जी, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए आपकी जो एडवांसमेंट आई है वो आई है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कि वर्ल्ड वाइड जो है हम एक दूसरे के कल्चर के करीब आए हैं, बाकी चीज़ों की समझ आई है हमें, और उसकी वजह यह है कि वर्ल्ड वाइड दुनिया जो है उसमें रद्दो बदल हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया है और उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है जिसने के दुनिया भर के लोगों को एक दूसरे के करीब किया। और दूसरी बात यह है कि लोगों के मिजाज के ऊपर एक सोशल चेंज है उसको इम्प्लीमेंट किया। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो बहरहाल इसने हमें एक दूसरे के करीब बहुत ज्यादा लेकर आए हैं। उसके बाद जो इंटरनेशनल ट्रेड है और उसके अंदर जो मिजाज में तब्दीली आई है वो बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर आप ये कह लीजिए कि ग्रेजुअली अगर आप देखें तो दुनिया में जो है वो आप जरा ये ग्रीन लाइन देखिएगा, ये ग्रीन लाइन जो है डेवलपिंग कंट्रीज की है, ठीक है जी। और आहिस्ता 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 क्या हुआ है कि जो है पहले हम जहाँ पे भी खड़े थे, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज की एक्सपोर्ट्स देखिए कैसे बढ़ रही है। तो जैसे जैसे आगे बढ़े इन्होंने काफी ज्यादा शेयर लिया है एक्सपोर्ट्स में। आल्दो के ब्लू लाइन जो है वो वर्ल्ड की लाइन है, तो वर्ल्ड की जो एवरेज लाइन है उससे ऊपर ये लाइन है, और ये जो टर्नओवर है वो आपको नजर आ रहा है 2010 के करीब या 2001 से ऑनवर्ड मैंने इसको पिक किया। तो हमें ये नजर आता है कि ये जो टर्नओवर है इसके अंदर 2012 से ऑनवर्ड हम लेके चले, तो हमने देखा है कि वर्ल्ड की जो ब्लू लाइन है उससे ऊपर ही है डेवलपिंग कंट्रीज जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब जाहिर है इनके पास एक्सपोर्ट्स करते हैं तो इनके पास अर्निंग ज्यादा है, पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, इसलिए इनके लोग जो है इनका म्यारे जिंदगी भी ऊपर जा रहा है। और इसकी आप देखेंगे कि ये लोग इम्पोर्ट भी जो है वो भी वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट का ज्यादा हिस्सा इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। तो बड़ा एक्टिव शेयर नजर आता है अब डेवलपिंग कंट्रीज का, ठीक है जी, जबकि 12 कंट्री की लाइन जो है ब्राउन लाइन है, जो दोनों एतबार से आपको नीचे नजर आती है कि एक्सपोर्ट में भी इतने एक्टिव नहीं और इम्पोर्ट में भी आप इतने एक्टिव नजर ये नहीं आते। तो ये एक बड़ा चेंज आया है दुनिया भर में कि नए प्लेयर सामने आए हैं, और बिल्कुल एक नया सिनेरियो सामने आया है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चीजों में इजाफा हुआ है, और दुनिया में वो जो सेल्फ सफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक लोगों ने अब उसको पीछे फेंक दिया है,
कि सब जानते हैं कि किसी दो या चार चीजों में स्पेशलाइज करना ज्यादा बेटर है बनिस्पत इसके कि हर चीज आप खुद बनाने की कोशिश करें। लेकिन इतना भी नहीं है कि बिल्कुल आप सारी दुनिया की चीजें खुद ही इम्पोर्ट करते हैं। जैसे मुस्लिम कंट्रीज में सऊदीया को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, ये सब कुछ इम्पोर्ट ही करते जा रहे हैं। इतना भी नहीं है, मतलब कुछ तो आप बनाए ना, कुछ चीजें ज्यादा बनाए, आपकी कोई लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट हो, कोई 1,000, 1,200, 1,400, 2,000 चीजें हो जो एक्सपोर्ट हो रही हो, और फिर आप इम्पोर्ट भी करें, कोई मसला नहीं, कमाएं और खर्च भी करें, तो दोनों चीजें होनी चाहिए। अब इसके बाद आ जाती है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हम इसको कहते हैं कि जब कोई कंपनी या जब कोई इंडिविजुअल एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है और वहां जाकर वो कोई कारोबार शुरू करता है, कोई यूनिट लगाता है या कोई प्रोडक्शन यूनिट लगा देता है या वहां पे जाके कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, हम इसको कहते हैं कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर उनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। इन्वॉल्व कौन है जो एक कंट्री से दूसरे में आए, या तो वो कोई इंडिविजुअल है या वो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो लिहाजा या इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन है, तो दोनों में से कोई भी आके, फर्ज कीजिए पाकिस्तान में आके कोई भी मुल्क के बशिंदे हैं, कोरिया के हैं, जापान के हैं, चाइना के हैं, वो आके कोई फर्म्स लगाते हैं, सीपैक की मिसाल ले लीजिए, वो यहाँ आके फर्म्स लगाते हैं, कोई प्रोडक्शन शुरू करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो हम इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो खुद से कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हुई बल्कि उनके बशिंदे आए जिन्होंने आके इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। तो इसको हम कहेंगे ये क्या, ये हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अब दुनिया भर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी है, क्योंकि बिजनेसेस जो हैं वो एक खास लिमिट से आगे उनको पूरी आज़ादी हासिल है कि वो देखें दुनिया में कौन सी चीज़ कहाँ पर सस्ती प्रोड्यूस हो सकती है, दुनिया में कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी क्वालिटी में बनाई जा सकती है, तो वो वहाँ जाके प्रोडक्शन कर लें। लिहाजा इस वजह से आप देखते हैं कि दुनिया में जो कमर्शियल एक्टिविटी है या कमर्शियल इंटरनेशनल बिजनेस है वो एक खास लेवल से ज़्यादा बड़ा है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसकी वजह से जाहरी बात है दुनिया भर में जो फर्क आया हुआ है कि प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस बढ़ी हैं, जॉब्स बढ़ी हैं और सोर्सेज ऑफ इनकम में इजाफा हुआ है। इसके अंदर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखते हैं, तो मैंने इंटेंशनली यहाँ पे जो पिक्चर प्लेस की थी वो आप दोस्तों के लिए की थी, जिसके अंदर मैंने चाइना की पिक्चर लगाई है कि चाइना में आप देखिए कि 2018 में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो जो है वो 1,000 मिलियन, ये 1,100 मिलियन डॉलर्स के करीब नजर आती है। हाँ वो ठीक है कि आगे जो है थोड़ी कम हुई है यहाँ आके, लेकिन ये जापान से तो बहुत ज्यादा है, अमेरिका से भी ज्यादा है और इसी तरह यूके से भी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि न्यू प्लेयर्स जो आ रहे हैं तो वो बड़ा डिसेसिव रोल प्ले करेंगे, जिसके अंदर न्यू प्लेयर्स के अंदर जो है ब्रिक कंट्रीज का नाम लिया जाता है। ब्रिक कंट्रीज में जो है वो चार मुल्क आते हैं, एक आपका ब्राजील है जी, एक रशिया है और एक जो है आपका जो है वो चाइना है। चाइना तो बहुत लीडिंग है इनमें, और इंडिया का भी नाम शामिल है। ऑलमोस्ट द करंट गवर्नमेंट इनकी जो है उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज भी अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से थोड़ा सा लोग जो है इसके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बहरहाल जो है वो कमी आ रही है। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी आ रही है, तो ये एक चीज़ है कि उनका जीडी थोड़ा सा नीचे गया है, लेकिन बाकी दुनिया का भी ऑब्वियसली इसका कोरोना का इफेक्ट है, उसको भी इफेक्ट आया हुआ है, तो ये भी ज़रा थोड़ा सा नज़र आता है। तो ये है हमारा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की जो बात कर रहे थे आप। इसके बाद देखिए जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में मज़ीद अगर आप देखते हैं, तो आपको अगर मैं चाइना की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ, तो ये विद इन द ईयर्स देखिए ग्रो करती चली जा रही है। अगर मैं बिलियन डॉलर्स में इसको देखता हूँ तो ये ग्रो करती चली जा रही है। पर इसके अंदर एक बात जो है वो नज़र आती है कि अगर आप देखें तो जो ऑब्वियसली हमारा जो है वो एक्सटर्नल डेट बर्डन बढ़ रहा है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि कुछ बड़ा पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो ऑल दो पाकिस्तान हैज गॉन इन अ वेरी गुड स्टेज इन 2018 तक, बड़ी अच्छी पेस पे गए हम लोग भी, हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को काफ़ी लीड किया है, लेकिन
दूसरी तरफ बांग्लादेश भी जो है वो 2018 में अगर आप देखते हैं तो मिलियन डॉलर्स के अंदर 3,613 मिलियन डॉलर्स अ गुड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली इनकी गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर, पर्टिकुलरली इनकी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजीज के अंदर ये जो काम कर रहे हैं उसके अंदर काफी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नजर आती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फायदा इनको क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि इनका जो बैन अलकौमी कर्जे पे इन्हेंसार है वो कम होता जा रहा है। तो ये एक बड़ा है कि जहाँ जहाँ पोटेंशियल इकोनॉमीज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जो है वो ट्रेंड वर्कर्स हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रही है। अब इसके अंदर एक आ जाती है जहाँ पे आप देखिए कि आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइना, चाइना जो दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो देखिए ना सिर्फ उसके यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है बल्कि वो दूसरे मुल्कों में भी इन्वेस्टमेंट जो है तेजी से बढ़ा रहा है। और इसके अंदर पर्टिकुलरली आप सी पैक की एग्जाम्पल ले लीजिए कि वो किस कदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये नई इन्वायरमेंटल या इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है जिसके अंदर बिल्कुल नए प्लेयर आ रहे हैं और उनके पास इतना सरप्लस है कि वो दूसरी जगह भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह इंडिया ईरान में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कर रहा है और चाइना पाकिस्तान और अफ्रीका में काफ़ी बड़ा पैमाने पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा जो मुख्तलिफ फ्लोस नज़र आ रहे हैं। बारह ये डेटा मैंने आपसे शेयर किया। उसके बाद देखिए जो कम्युनिकेशन के हवाले से तरक्की है उसने भी कोई शक की बात नहीं है। मॉडर्न सैटेलाइट सिस्टम जो है, एडवांस टेक्नोलॉजी ने टेलीफोन से हमें जो है वो बहुत आगे ले गया उठा के, और अब जो है दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसेस हैं, कारोबारी दुनिया है वो कनेक्टेड है थ्रू द इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा काम है कि दुनिया सारी में जो है जितने समुंदर देखते हैं वहाँ फाइबर ऑप्टिक बिछ चुकी है, पूरी दुनिया भर में सैटेलाइट्स इतने ज़्यादा हैं, कम्युनिकेशन जो है उन मुल्कों में हो रही है जहाँ पे आप देखिए मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, फ्राइडे सैटरडे ये रहते हैं, थर्सडे फ्राइडे ऑफ रहते हैं। अगर आप देखें वेस्ट और यूरोप जो है वो सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो 4 दिन तो इजाजत हो ही नहीं सकती, पीछे रह गए 3 दिन कौन से, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी जब इधर रात है उधर दिन है, उधर दिन है तो इधर रात है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है जिसने हमें ला के यहाँ खड़ा कर दिया कि स्टिल वी आर इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर, कि आज संडे का दिन है मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ना आपको अपने घर से निकलना पड़ा ना मुझे अपने घर से निकलना पड़ा और हम कनेक्ट हो गए और यहाँ से जो है हम आप मेरी बात सुन रहे। इसी तरह से लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो के आई होप सो फार ये अपलोड हो जाएगा और वहाँ से भी काफ़ी लोग बेनिफिट ले सकेंगे। तो ये सारा टेक्नोलॉजी का कमाल है। इसी तरह बिजनेस वर्ल्ड में भी ये हुआ है। अभी हम एक कल परसों एक मीटिंग कर रहे थे, तो लास्ट नाइट थ्रू आउट द नाइट हम मीटिंग कर रहे थे, एक डेटाबेस थी जिसको देखना था कि वो उसको एक खास पर्पस के लिए एनालिसिस कर रहे थे। तो वो ओवरऑल उसकी टेस्ट बेसिस है, अभी डिप्लॉयमेंट होगी उसकी आगे चल के, उसमें डेवलपमेंट फेज में हम इस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा उसमें काम बाकी था। तो थ्रू आउट द नाइट हम बैठे रहे, लेकिन उसके अंदर कई बातें डिस्कस हुई कि उसके कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो इंडिया में बने, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि जो है वो नॉर्वे के बने हुए हैं और कुछ, और वो सारे जो है वो चंद एक डॉलर्स में हम लेते जा रहे हैं, उसे कनेक्ट करते जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर जो है वो प्लग इन करते 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 बन गया। अब ये जो है ये सारे का सारा टेक्नोलॉजी का कमाल है, जहाँ से क्या हमें जो चीज़ जहाँ से मिलती है हम कनेक्ट कर लेते हैं, गॉट इट अ वेरी गुड रिजल्ट इन द एंड। और पूरी दुनिया जो है जाहिर है अगर आप मार्केट की डेफिनेशन पढ़ें तो क्या है मार्केट की डेफिनेशन? मार्केट वो जगह है जहाँ पे बेचने और खरीदने वाला रास्ते में है, यानी बायर एंड सेलर आर इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर। और इस टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि दुनिया के हर कोने को दूसरे कोने के साथ कनेक्ट कर दिया इन कम्युनिकेशन, और जब वो कम्युनिकेशन बढ़ गई तो पूरी दुनिया की मार्केट एक मार्केट बन गई। यानी यू कैन इन्वेस्ट राइट नाउ इन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वेयर एवर यू वुड लाइक टू बाय द शेयर्स ऑफ, जहाँ से चाहे शेयर्स खरीद सकते हैं, जहाँ से चाहे आप जिस चीज़ में चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है ये इम्प्रूवमेंट इन द कम्युनिकेशन जिसने पूरी दुनिया की जो तिजारत है, बिजनेस है, उसको एक ग्लोबल ड्राइवर में ला के रख दिया। अब इसके अंदर एक ये भी है कि वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो कम किया गया है, यानी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे बैरियर लगे होते थे, आज भी कुछ मुल्कों में है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है,
लेकिन कोई चीज़ लानी है तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, ले जानी है तो उसके लिए भी कुछ टैक्स रूल्स हैं। लेकिन आप WTO ने यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इस मामले पे काफ़ी काम किया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में जो तिजारत है वो उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम से कम होनी शुरू हो जाए। तो वो उसमें काफ़ी हद तक हुआ। पाकिस्तान में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है और हमारी जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं उनको कम करवाया है ताकि जो वर्ल्ड रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो ये मॉडर्न जो सिनेरियो है उसके अंदर शायद ये आने वाले दौर में चंद साल में शायद ना समझूं, लेकिन फिर भी एक आने वाला दौर होगा जिसके अंदर आप जो चीज़ दुनिया में बनेगी वो कहीं भी बेची जा सकती है, कहीं भी खरीदी जा सकती है। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है कम होती चली जा रही है। उसके बाद एक चीज़ जो है वो आप देखेंगे कि पहले पहल ये समझा गया कि जब वो जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो एक बात समझ में आती थी कि जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीनों ने इंसानों को रिप्लेस कर दिया, मशीनों ने इंसानों को रिप्लेस कर दिया। तो उस वक्त बेरोजगारी बहुत फैल गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल गई और एक सवाल पैदा हुआ कि यार ये जो टेक्नोलॉजी है कहीं लोगों को बेकार तो नहीं कर देगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रोजगार ही उनसे छिन जाएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि मजीद गुड्स की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लोगों ने चीज़ों की डिमांड बढ़ा दी। आप जो चीज़ों की डिमांड बढ़ा दी वो कैसे, देखिए अगर आप देखते हो वो दौर जो कि हमारा दौर है बड़ा रिवायती सा पुराना सा दौर है, तो उसके अंदर आप देखते हो कि एक मर्द को ही ले लेते हैं, चले हम क्यों बात करें फीमेल्स की, एक मर्द को ही ले लेते हैं। तो मर्द की जरूरियात क्या है, मर्द की जरूरियात क्या है जी, कि उसके पास एक उसे नहाने के लिए साबुन चाहिए, एक उसे बालों पे लगाने के लिए कोई क्रीम या ऑयल चाहिए, ठीक है जी। अच्छा मुंह पे ज्यादा ज्यादा वो क्रीम लगा लेगा, बस यही है, ठीक है जी। अब और वो एक रेजर होता था जिसमें ब्लेड चेंज कर लिया जाए तो काम चल जाता था, तो वो एक रेजर हो गया और एक वो शेविंग क्रीम हो गई। लेकिन आज अगर आप देखें, हम सिर्फ मर्दों को ही देख लें, औरतों की बात छोड़ें, तो प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी बड़ी है। मिसाल के तौर पे हमें एक शेविंग फोम चाहिए, हमें मल्टीपल ब्लेड्स वाला रेजर चाहिए, हमें आफ्टर शेव चाहिए, हमें क्लोन चाहिए, हमें ड्यूडरेंट चाहिए, परफ्यूम चाहिए, ठीक है जी, फेस वॉश चाहिए, शैम्पू चाहिए। उसके बाद हमें जो है यू सी अगर आप देखें एक एक मर्द गई आप जो है वो ड्रेसिंग टेबल देखें तो उसके ऊपर एक लिस्ट ऑफ गुड्स पड़ी होती है। तो टेक्नोलॉजी ने पहले लोगों को अनएम्प्लॉयड किया, लेकिन फिर टेक्नोलॉजी ने जीने का एक नया अंदाज सिखाया। वो जो जीने का नया अंदाज सिखाया उसमें हर कमरे में एक टेलीविजन चाहिए, हर कमरे में हमें जो है वो एक छोटा रेफ्रिजरेटर चाहिए, हर कमरे में हमें एयर कंडीशनर चाहिए, हर कमरे में हमें इक्विप्ड लाइट्स चाहिए, अच्छा हर कमरे में हमें कंप्यूटर्स अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए जो है वो कनेक्टर्स चाहिए, स्विचेस चाहिए। तो फिर उसने जितना पहले बेरोजगारी लगता था फैलाई है, उससे आगे चले तो पता चला कि उसने हमें गुड्स की डिमांड बढ़ा दी है और अब गुड्स की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि जो जॉब्स पहले लगता था कम हो गई, अब वो जॉब्स लगता है उससे 4-6 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। यानी बावजूद इसके के ऑनलाइन अमेजोन आ गया और इतना कुछ हो गया, येट डेट लोगों का रोल जो है वो बढ़ता चला गया। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर्स डिमांड बढ़ी है। हम पहले कभी बचपन में 2 या 3 सेल घर लाने होते थे, 4 वो भी किसी टॉय में डाले होते थे बस, बाकी ये एनालॉग वॉचेज होती थी, ये चाबी वाली होती थी, ऑटोमेटिक होती थी। अब आप देखिए कि अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं सबसे पहले आपको बड़े और छोटे सेल्स का एक कॉम्बिनेशन चाहिए, एसी के रिमोट में सेल डालने आपने, उसके टीवी के रिमोट में सेल डालने आपने, हर क्लॉक हर घड़ी में सेल डालने आपने। तो यू सी डिमांड बढ़ी है, तो कंज्यूमर डिमांड में भी बहुत इजाफा हुआ है। ऑल दो के अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमने इस बात को नहीं समझा और अपने मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा बढ़ाया नहीं, लेकिन येट डैट ये इजाफा तो हुआ है। उसके बाद अगर आप देखते हैं कॉस्ट के हवाले से, कॉस्ट के हवाले से हम ये देखते हैं कि जितनी भी वर्क फोर्स है, मामलात हैं, हमने लेटर ऑन जो है वो चीज़ों को लो कास्ट प्रोडक्शन पे चले गए और मास प्रोडक्शन का ज़माना आ गया, यानी हर चीज़ जो है मास प्रोडक्शन पे हो रही है। इवन
चाइना में रोबोट्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, और मुझे तो ये शक पड़ता है कि शायद आने वाले दौर में ये जो आपके फ्रंट विंडोज पे या फ्रंट डेस्क पे बैठे हुए मेल और फीमेल होती हैं, शायद ये भी रोबोट होंगे। क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं अभी मेरा ख्याल 4-6 साल पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जिसके अंदर मैंने देखा कि फ्रांस की एक न्यूज़ कास्टिंग कंपनी है जिन्होंने एक न्यूज़ कास्टर परचेज की है और वो रोबोट है। वो बिल्कुल नमा है खबरें पढ़ने में, बिल्कुल ऐसे पढ़ती हैं जैसे कि एक लिविंग वोमन या लिविंग लेडी हो सकती है। अब देखिए, ना तो उसका आई कांटेक्ट पुअर होना है, ना उसको चींक आनी है, ना उसने एक्सक्यूज मी कहना है, उसने जनाब जो है एक खास स्पेस के ऊपर सारी खबरें आपकी पढ़ देनी है, और वो पढ़ देती है। तो जब ये मास प्रोडक्शन में आएगा तो ये भी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि वक्त के साथ साथ चीजें सस्ती हो रही हैं, क्वालिटेटिव हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट का नेचर बदल रहा है, उसके साथ साथ सोशल चेंजेस आ रहे हैं और हमारा माशरे में तब्दीलियां आ रही है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि इंसान की अहमियत किसी पैमाने पर कम होती है। उसकी वजह यह है कि अगर हम पूरी दुनिया का काम रोबोट्स के सपोर्ट कर दें तो उनकी प्रोग्रामिंग के लिए भी इंसानों की जरूरत पड़ेगी, उनकी कॉस्ट को मैनेज करने के लिए फिर भी इंसानों की जरूरत पड़ेगी, लिहाजा ह्यूमन इम्पोर्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकती, ये ध्यान में रहनी चाहिए बात। हाँ, अलबत्त ये कि इन्वायरमेंटल चेंजेस जरूर आते हैं। अब इसको आगे लेके चलते हैं तो वो बात दोबारा आ जाती है कि कंपेटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट आ गई। पहले क्या जी, जापानीज जो है अपने यहाँ गाड़ियां बेच रहे हैं, जर्मन अपने यहाँ बेच रहे हैं, अमेरिकन अपने यहाँ बेच रहे हैं, हर एक ने अपने अपने ब्रांड गुरु बनाए हुए थे। जनाब जनरल मोटर बहुत बड़ी मोटर है जनाब, उधर से जनाब BMW मर्सिडीज है जनाब, बड़े लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर है नो डाउट ही। ब्रिटानिया में रोल्स रॉयस है, फरारी है जी, बहुत बड़ी गाड़ी है। तो हमने देखा कि जी हर किसी ने अपना एक वो जो है ना, वो कहते हैं अपने अपने नाउजुबिल्ला खुदा बनाए हुए थे ब्रांड्स को। तो लेकिन ये है कि जब आया आया ग्लोबल विलेज का जमाना, अब पड़ गया कंपटीशन। तो कंपटीशन सामने आया तो फिर पता चला कौन कितने पानी में, क्योंकि कंपेटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में वह जनरल मोटर्स का मुकाबला पड़ा जैपनीज गाड़ियों के साथ, तो जनरल मोटर कहीं भी स्टैंड नहीं करती थी। फोर्ड कंपनी जो है अमेरिका की, वो लीस्ट कॉस्ट समझते थे जी, बड़ी सस्ती गाड़ियां बनाती है। अमेरिकन ने खुद फोर्ड की गाड़ियां छोड़ के जैपनीज गाड़ियां खरीदी, टोयोटा की और होंडा की। और फिर उसके बाद जापानीज ने आके पिछले 10 साल में जो बड़ा ब्रेक थ्रू किया है कि पहले तो उन्होंने इन यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स को टफ टाइम दिया, अब उन्होंने एक लेक्सस नाम से, टोयोटा ने अपना एक सब ब्रांड बनाया लेक्सस के नाम से, और उसमें जो गाड़ियां बनाई हैं वो इसलिए बनाई कि मर्सिडीज और BMW के साथ भी जरा दो दो हाथ करती जाए। और नतीजा ये हुआ कि मर्सिडीज और BMW जो है उसको काफी हद तक रिप्लेस कर दिया लेक्सस ने। आप जरा इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को देखिए, जाके इस कदर लग्जरियस गाड़ी बनाई है, इस कदर बेहतरीन फीचर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कंपेटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट है कि कौन सस्ता बनाएगा और कौन बेहतर बना के दुनिया में आएगा, तो मुकाबला जो है टफ हो गया। अब ग्लोबल प्लेयर बदल गए, ग्लोबल प्लेयर्स बदलना शुरू हो गए हैं। जो IBM है उसे अपना जो है वो प्लांट नहीं संभाला जा सका, उनके अपने उनका एनवायरनमेंट मिस रीडिंग हो गई थी। उसकी स्ट्रेटेजी में आगे चलूंगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या मिस रीडिंग कर गए थे, और उसकी वजह से लिनोवो को बेचना पड़ा था अपना प्लांट। और लिनोवो ने पहले IBM ब्रांड के साथ ही काम किया क्योंकि वो उनके साथ माहिदा था, और अब लिनोवो डिवाइसेस सारी की सारी उन लिनोवो के नाम से चलती हैं, और उनकी जो डिमांड है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू तोशिबा है, HP है, डेल है, और पर्टिकुलरली जो है IBM के अपने जो सब ब्रांड है उसके भी ज्यादा इस की डिमांड है। तो लिनोवो इज एंड द टॉप नाउ, उन्होंने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और मैं जो इस वक्त जो आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो मेरे सामने एक मशीन HP की पड़ी है, तोशिबा की मशीन मैंने यूज की है चंद चंद माह पहले, और डेल की मशीन जो है वो मैं अपने रीडिंग रूम में रखता हूँ, एक पड़ी हुई है वहाँ पे। लेकिन जिससे मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये लिनोवो की डिवाइस है, और ये डिवाइस जो है ये कोई मॉडर्न डिवाइस नहीं, अच्छी खासी पुरानी डिवाइस में जो है ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। तो ये आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि किस कदर लेटेस्ट उन्होंने वर्क किया है और कितना मॉडर्न है, आसानी हमें प्रोवाइड की है, कन्वीनियंट है कि मैं एक स्क्रीन के ऊपर एक पेन से लिख रहा हूँ जो चीज़ें आप देख रहे हैं। तो ये सारी की सारी इन्वायरमेंट जो है कंपेटिटिव इन्वायरमेंट आई है, जिसके अंदर देखते हैं कौन अच्छा बनाता है और कौन सस्ता बनाता है, ये चीज़ आ जाती है। अब आगे आ जाते हैं, अब ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा जिक्र शुरू में आया था लेकिन अब जरा दोबारा से इसका जिक्र आएगा।
उसकी वजह ये है कि ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में आप ग्लोबल ड्राइवर्स को देखते हैं तो यहाँ मेरे नज़दीक जो है ना दुनिया में तीन बड़े अचीवमेंट्स हुए हैं, यानी मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा बात कर रहा हूँ अगर, तो तीन बड़े अचीवमेंट्स मेरे नज़दीक हैं। एक तो बोइंग 777 नाम सुना होगा। देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ इस तैयारी के बारे में कि अगर हम एक रेलवे के कोच में एक कैबिन में अंदाजा है मेरा कि 60 लोग बैठा सकते हैं इजीली, 60 लोग रेलवे की एक कोच में बैठते हैं 60 के लिए, अगर 1,000 पैसेंजर बैठाना हो, 1,000 पैसेंजर हमने बनाना बैठाना हो तो वी रिक्वायर एटलीस्ट 14 कैबिन हमें चाहिए, ठीक है जी। तो हमें तकरीबन 16 या 18 कोचिस चाहिए, सॉरी। इसके अंदर कम से कम दो जनरेटर के डब्बे होंगे, एक इंजन होगा और एक जो है वो गार्ड का कमरा का भी है जी, वो एक अलहदा से कोच लगी होगी साथ। तो ये तकरीबन जनाब 20 से 22 डब्बों की बड़ी ट्रेन बनेगी, और ये इतनी बड़ी ट्रेन होगी कि जब ये चलेगी लाहौर से तो इट विल यू सी डैट के कम से कम 1/4 ऑफ द किलोमीटर तो इसकी साउंड और आवाज सुनी जा सकेगी, इतनी बड़ी ट्रेन हो गई है। और अगर ये किसी फाटक से गुजरे तो अच्छा खासा हमें वेट करना पड़ेगा, 22 डिब्बे आहिस्ता 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 से गुजरे। तो यू सी इतनी बड़ी ट्रेन है जिसमें 1,000 बंदा बैठेगा, और यहाँ पे बोइंग 7 से आप कहेंगे सर आप तो बोइंग की बात कर रहे थे, ट्रेन आ गई, तो मैं वही कहने वाला हूँ कि बोइंग में 1,000 पैसेंजर विद सामान के बिठा दिया आपने, 1,000 पैसेंजर विद लगेज सिटिंग इनसाइड द एयरप्लेन, उड़ने वाली ट्रेन, तो उड़ने वाली ट्रेन बना दी ना जी आपने, तो ये है जनाब कमाल, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आया कि हमारे पास पहले जमीन पर चढ़ने वाली ट्रेन थी, अब उड़ने वाली ट्रेन भी आ गई। तो दिस इज कॉल्ड बोइंग जेट, जो कि आज का कमाल। अच्छा, ये तजर्बा ऐवें कामयाब नहीं हो गया, ये तजर्बा जो है इस तरह से हुआ कि बोइंग कंपनी ने तो उसको डिजाइन किया है, लेकिन इनको रोल्स रॉयस मोटर्स कंपनी इंग्लैंड ने बड़ी सपोर्ट की, इन्होंने इसको इंजन बना के दिया जिसकी वजह से इसके मोस्ट रिलायबल इंजन है, और आई थिंक इसके साथ 4 इंजन लगाते हैं वो लोग। तो बहरहाल एनीवे, तो बड़ा कमाल। उसके बाद शिपिंग में, शिप्स में बहुत बड़ा कमाल हुआ है। शिप्स में कमाल ये हुआ है कि इतने बड़े बड़े शिप हैं कि हमारा कोई गांव का नाम ले ले ना, छोटा सा गांव है कोट राधा किशन, ले ले कोट राधा किशन से बड़ा शिप, यानी चलता हुआ गांव, चलता हुआ शहर, मींस फ्लोटिंग करता हुआ शहर कह लीजिए, इतने बड़े बड़े शिप है, उनके अंदर पता नहीं कितना कंटेनर आ जाता है और क्या कुछ आ जाता है, सो बिग साइज ऑफ द शिप्स। ये दूसरा मेरे नजदीक इनोवेशन है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, एक बोइंग जेट है और एक ये। अब जो तीसरा है वो है कंटेनराइजेशन। आप कहेंगे सर कंटेनर तो आम सी चीज है, आप कंटेनराइजेशन को अचीवमेंट कैसे कह रहे हैं? देखिए बात ये है कि जरा आप हालात से जरा चलेंगे तो फिर आपको बात समझ आएगी कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है। देखिए हम तेल कैसे ला रहे थे, एक वो लकड़ी का गोल सा ड्रम होता था, इसको बैरल कहते थे, वहीं से तो बैरल की टर्म चली, उसके अंदर क्रूड ऑयल आता, आप एक ड्रम के ऊपर दूसरा ड्रम तीसरा रख लेंगे ज्यादा ज्यादा। इसी तरह पटसन की बोरियां, ये जो होती थी ना पटसन जो बांग्लादेश में बहुत ज्यादा होती है, उसकी बोरियां होती थी, उसमें आप किन्नू डाल लें, मौसमी डाल लें, सेब डाल लें, उसके अंदर फल रखे जाते थे, और वो बोरियां एक दूसरे के ऊपर जब रखते थे तो नीचे वाले किन्नू जो है बेचारे वजन से फट जाते थे, और वो जूस बेचारों का जो है वो कंटेनर वो पूरे उसके शिप के अंदर बह रहा, बुरे हालात, मछली की स्मेल और जनाब, तो इस तरह की सिचुएशन। कंटेनर क्या चीज है? कंटेनर एक ऐसा डब्बा बना दिया जिसके ऊपर कॉलम बीम सिस्टम है, कॉलम बीम सिस्टम यानी उसके अपने पिलर है, उसके अपने बीम है, आप एक कंटेनर के ऊपर दूसरा रखो, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे पांचवा, आप 20 कंटेनर एक दूसरे के ऊपर जोड़ दो, वो 20 मंजिला बिल्डिंग बन जाएगी, और ऊपर 19 कंटेनर होने के बावजूद नीचे वाले कंटेनर का दरवाजा खोले और उसमें से जो चाहिए निकाल लें, और वो कंटेनर आप कंपनी को देंगे, लो जी ये आपका रूम है, इसके अंदर जिस तरह चीजें रखनी है रखो, और वो जो रूम है उसको पहले एक ट्रक के ऊपर रखे वहां शिपयार्ड में ले जाएंगे, शिपयार्ड के ऊपर एक क्रेन पकड़ेगा उसको और सीधा पकड़ के वैसे ही जाके शराफत से उसको सीधा ही रख देगा,
उसी तरह वहां ही दूसरे मुल्क में पहुंच जाएगा और ट्रांसपोर्ट होता हुआ उस कंपनी को मिलेगा और वो अपना कंटेनर खोले और माल ले ले, जितनी मर्जी फ्रेजाइल चीजें हो, जैसे मर्जी आप रखी हो, वो आपकी जिस तरह आपने रखी हो वैसे ही पहुंच जाएगी। ये है कॉलम बीम सिस्टम। आप देखिए जहाँ कहीं सड़क बन रही होती है, अक्सर उकात आप कमरे नहीं बनाते, पुराने घिसे हुए लाके कंटेनर रख देते हैं, फिर लो जी यहाँ पे इंजीनियर बैठ के अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और वो फिर भी इतने मजबूत होते हैं कि काम कर लेते हैं। तो ये मेरे नज़दीक आईटी के अलावा ये तीन बड़े काम हुए। उड़ने वाली ट्रेन बन गई, बोइंग जेट बन गया, और बड़े बड़े शिप और नेवल मूवमेंट बन गई, और उसके बाद कंटेनराइजेशन। और कंटेनराइजेशन में जो है वो बड़े बड़े कंटेनर थे, वो एक बने बनाए रूम है, उसमें अपनी चीजें लगाएं और एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा रखते जाएं, और जनाब ये जो है अचीवमेंट है बहुत बड़ी। अब उसके बाद आप आ जाते हैं नेवल मूवमेंट जो इसके अंदर क्यों रखी, उसकी वजह ये कि आप जानते हैं कि समुंदर जो है वो समुद्री डाकुओं और पता नहीं कौन कौन सी लोगों की माज गाती, लेकिन नेवल मूवमेंट ने अब इसको सेफ जर्नी में भी कन्वर्ट किया है। तो ये भी एक मूवमेंट। अब इसके अंदर जो आप मेरे से पूछेंगे कि नए प्लेयर्स नजर आते हैं, जी इसके अंदर नए प्लेयर्स हमें बहुत ज्यादा नजर आएंगे। मिसाल के तौर पे हम यहाँ से देखते हैं, देखिए यूनाइटेड स्टेट जो है 1963 में जो है पूरी दुनिया की तिजारत का 40% हैंडल कर रहा था, ठीक है जी। और यूनाइटेड स्टेट कहता है कि हमने 63 से लेके, सन 1963 से 1963 से लेके 2008 तक अपनी जो एक्सपोर्ट है वो कई गुना बढ़ा दी है, लेकिन कई गुना बढ़ाने के बावजूद आज उसका शेयर जो है वो क्या है, 9.3% है 2008 में। यानी चीजें ज्यादा बढ़ाने के बावजूद उसका जो दुनिया भर की एक्सपोर्ट में शेयर है वो रिड्यूस होता 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 9.3, 9.3% है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि दुनिया की तिजारत में या वर्ल्ड वाइड ग्लोबल बिजनेस में क्या फर्क आया होगा। यानी ये मुल्कों ने अपनी तरफ से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट की हैं, लेकिन दुनिया में तिजारत इतनी तेजी से बढ़ी और उसका हुजम इतना बड़ा कि उसके शेयर रिड्यूस, यानी ओवरऑल रेशियो में उसका शेयर कम होता चला गया। जर्मनी ने सस्टेन किया, 9.7 पे था, अब शायद 7 पे चला गया हुआ है, तो 7.8 पे ये स्टे कर गया 63 से लेकर 2008 तक। फ्रांस को देख लीजिए, फ्रांस का तो शेयर आपको आधा नजर आ रहा है, और चाइना जो कि सन 1963 में कहीं नजर ही नहीं आता था, वो 2008 में तकरीबन अमेरिकन शेयर जितना शेयर ले चुका था, और अब तो उससे बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। तो ये नए प्लेयर आने शुरू हो गए। अब ये बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो आ गया आपके सामने कि न्यू प्लेयर जो है वो आने शुरू हो गए। तो ये हैं जो ग्लोबल ड्राइवर्स ऑफ चेंज हैं जिन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस को चेंज किया है। तो आज मैं इसको यहीं तक रखूंगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। संडे का दिन है, आप बेशक रैंक कर दीजिए आज के मेरे इस लेक्चर को, और मैं इसको सम अप करना चाहूँगा इंशाल्लाह। और अब हम मिलेंगे थर्सडे को, तो इस टॉपिक को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। आज का मेरा ज़्यादा वक्त लग गया आपको इसकी बेस बनाने में, इस वक्त सिचुएशन क्या हुई। तो आई एम वॉचिंग इन द कमेंट्स बॉक्स, प्लीज रेट टूडेज लेक्चर कि आपको कितना समझ आया है। हमारे साथ दो बच्चे मौजूद हैं इस वक्त जो लेक्चर सुन रहे हैं, उसके अंदर जनाब जो बच्चे हैं उसके अंदर खावर याकूब है, कौनैन सैयद है, महा शाहिद है, आमना जफर है। आमना जफर बेटी तो रेगुलर है अपने लेक्चर सुनने में, इसी तरह जो है उस्मान, शेख उस्मान है, इज़ अ वेरी रेगुलर स्टूडेंट, और मियाँ अरसलान है, मलिक अब्दुल्ला है, तो ये तमाम बच्चे हैं। तो इनके यकीन है, तो खावर याकूब कह रहे हैं इट्स वेरी गुड, एंड उसामा कह रहे हैं एक्सीलेंट, शेख उस्मान कह रहे हैं इट्स गुड, कौनैन सैयद कह रहे हैं इट्स फैबुलस, एंड इट कैन यू यूज प्लीज वन स्टैंड अकोमोडेशन स्ट्रेटजी गेन, यस यस व्हाई नॉट, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, ये बात बड़ी छोटी सी है। मंसूर अंसारी इसको एक्सीलेंट कह रहे हैं, और रियान मजीद कह रहे हैं इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, और फिर उन्होंने कहा इट वॉज ईजी लेक्चर टूडे, आज का लेक्चर 110% समझ आया है और लेक्चर बड़ा आसान था। वैसे लोग कहते हैं कि आसान नहीं है, अगर आप आसान कह रहे हैं तो इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी मेहनत की है, और आप लोगों ने भी इसको समझने में मेरे साथ पूरी तंगदही के साथ, सॉरी तंगदही पूरी जस्तजू के साथ, पूरी अपनी एफर्ट के साथ जो है इसको सुना है। अब जो बच्चा अकोमोडेशन स्ट्रेटजी की बात कर रहा था, ये है हमारे बच्चे हैं, हमारी बल्कि बेटी है हमारी आमना, ये कह रही है जनाब की अकोमोडेशन स्ट्रेटजी, मैं ये बता रहा था एक्चुअली कि जो जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं अक्सर उकात ये कुछ अनएथिकल कर बैठती है।
जैसे मोनोपोली क्रिएट करी, प्राइसेस बढ़ा दी। गवर्नमेंट की जब नजर पड़ी कि यार इनकी खिंचाई होनी चाहिए, उन्हें कहीं से खबर मिल गई कि गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्शन करने वाली है, तो वो फौरी तौर पर जाए प्राइस बढ़ाने को उन्होंने कम कर दी, और कम करके कुछ अर्सा खामोशी से कारोबार करते रहे ताकि गवर्नमेंट की नज़र से बच जाए। इसको हम कहते हैं अकोमोडेशन स्ट्रेटेजी। सो होप आपको समझ आई होगी। इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे आपके साथ, और नेक्स्ट वीक हम इस टॉपिक को मजीद जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरेस्ट एंड योर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।